Okay, good evening all, and welcome to our second class of this Lal Kitab, which is free of cost. And I hope you enjoyed the last class. You are getting some essence of what Lal Kitab is actually based on. So I'll try giving my 100%, and I'll try to answer all your questions at the end of the session. So ample time I'll give you. So today's topic are friendship and enmity of planets in Lal Kitab, which are different from the Parashari. Some are common and some are different. And secondly, I'll give you some flavor of Makan Kundli and Lal Kitab in Vastu. So at least you will have some essence or some flavor. Seeing on your Kundli, you can make certain changes अपने घर में, जिस भवन का आप अपनी मन के आंखों से निर्माण करते हैं, उसको हम वास्तु में भवन कहते हैं. सो उस भवन में भी आप काफी चेंजेस कर सकते हैं. जो आपका नेटल चार्ट है ना, जो भी उन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है उन डायरेक्शंस में, वो प्लैनेट्स अपनी जगह आपके घर में खुद ब खुद बना लेंगे. आपको उनके लिए जगह नहीं ढूंढनी, आप खुद ही स्वयं जाके उनको प्लेस कर दोगे वहां, जब भी उनका लाल किताब के हिसाब से अरसा आएगा या वो वर्ष फल में एक्टिवेट होंगे या उनका सब अरसा आएगा या सब अरसा आएगा, आप खुद ही जाके ना उनको प्लेस कर दोगे. तो जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, लाल किताब एक कंडेंस्ड फॉर्म है पराशरी ज्योतिष की. लाल किताब में हम प्रेडिक्शंस थ्रू सिम्टम्स देते हैं. सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं? कल हमने पक्के घर की बात करी थी कि इस घर का पक्के घर का स्वामी कौन है, कि वो पीड़ित है या उसकी जड़ कैसी है, उस जड़ को और डीप में स्टडी करने के लिए हम फ्रेंडशिप एनिमिटी पढ़ेंगे आज. फिर हम प्रिडिक्शन इसमें दे सकते हैं वास्तु पाठ से. आप ऐसी ऐसी स्टनिंग प्रिडिक्शन दे सकते हो लाल किताब में कि आदमी बोलेगा आपको कि मेरे घर के भीतर घुस गए हो क्या. क्योंकि आज की जो एडवांस्ड वास्तु है उसका बेस या उसका अंश लाल किताब वास्तु है. लाल किताब की मकान कुंडली है, उसका बेस ही वही है. और तीसरा, हम जो प्रिडिक्शन देते हैं वो कार्य तत्व के लाल किताब में
हर प्लेनेट के कुछ सिग्निफिकेशंस हैं। एक तो हाउसेस के सिग्निफिकेशंस हैं, एक प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस हैं। तो इन तीन चीजों को जब हम मिलाते हैं, हम प्रिडिक्शंस बहुत आसानी से दे देते हैं। हम लाल किताब में एक और यूनिक चीज है, आप लाल किताब की अपनी कुंडली से अपने रिलेटिव्स की प्रिडिक्शन कर दोगे। उदाहरण के तौर पे अगर चंद्रमा आपके चौथे भाव में बैठा है, तो आपकी मासी की क्या कंडीशन है, वो आपके चंद्रमा की कंडीशन है आपके कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा मासी को दर्शाता है। केतु आपके चौथे भाव में बैठा है, मासी का मेल चाइल्ड, केतु नर संतान है लाल किताब में। तो केतु का हाल आपकी कुंडली में आपकी मासी का बेटा बताएगा, जो उसका हाल है कि आपकी कुंडली में केतु कैसा है, उसका हाल अच्छा है फाइनेंशियली तो आपका केतु बहुत बढ़िया। आपकी मासी का हाल अच्छा है तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में। तो एक ग्रह से हम अनेक प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। किसी का चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ जाता है। अब आप लोग लिखिए कि मैंने कल सप्तम भाव खाना नंबर 7 किसका पक्का घर बताया था आप लोगों को। शुक्र का और बुध का, राजकुमार जी ने लिखा, शुक्र और बुध का पक्का घर है। अब चंद्रमा यहां बैठ जाएगा, अब क्या प्रिडिक्शन देंगे? आप प्रिडिक्शन ये देंगे कि मदर की टांगों में प्रॉब्लम होगी, रिलेशनशिप्स में जो खराब होंगी आपकी वाइफ के साथ, उसमें मदर का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्योंकि बुध का दुश्मन शुक्र है, सॉरी वीनस का दुश्मन शुक्र का दुश्मन चंद्रमा है। चंद्रमा बुध को दुश्मन नहीं मानता है, बुध मानता है। तो चंद्रमा उस घर में बैठ के बुध को हानि नहीं पहुंचाएगा। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है ना। जिसके घर में, अगर आपके घर में कोई दुश्मन आ जाएगा, आप अनईजी फील करोगे। तो सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में डालिए लाल किताब का। मैंने कल भी कहा था, घर के मालिक को सलाम ठोकना पड़ेगा। चंद्रमा किसी का 8वें भाव में बैठ जाएगा, तो प्रिडिक्शन क्या बनेगी? यहां चंद्रमा लाल किताब एक फ्रेज यूज करती है, झूठी माया का चंद्रमा, मतलब कि
चंद्रमा यहाँ पैसे के संदर्भ में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया अंडर टेबल इनकम देता है आपको। आप ये भी प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि ये व्यक्ति फॉरेन करेंसी रखता होगा, क्योंकि तो जो माया जिस कंट्री में चलती नहीं है वो झूठी माया है ना। तो जो माया जिस कंट्री में नहीं चलती है तो वो करेंसी रखेगा। तो चंद्रमा आठ वाला आप पाएंगे कि झूठी करेंसी रखेगा। आजकल जैसे इंडिया में भी लाइक बिटकॉइन इज नॉट, ऑल्दो इट्स बिकम लीगल बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। यू कैन नॉट गो एंड बाय अ ब्रेड और एनीथिंग फ्रॉम अ बिटकॉइन टुडे। तो वो भी झूठी माया ही है जो चलती नहीं है, है तो माया। तो उसका इंक्लिनेशन यहां रहेगा उस चंद्रमा आठ में बैठ के, डिप्रेशन जैसी भी प्रॉब्लम्स देता है। चंद्रमा आठ की लाल किताब एक और प्रेडिक्शन बोलती है कि जिसका भी चंद्रमा आठ है, जितने भी यहाँ व्यक्ति बैठे हैं, अगर वो चंद्रमा आठ लेके चल रहे हैं तो उनको मदर फीड कम मिला होगा अपने बचपन में। किसी का राहुल लग्न में बैठ जाएगा तो जितने भी व्यक्ति यहाँ राहुल लग्न में बैठे हुए हैं, तो जो भी उनका घर है या उनका बर्थ प्लेस होगी, या तो उस बर्थ प्लेस के आगे खुला मैदान होगा या वीराना होगा या अनकंस्ट्रक्टेड घर होंगे आसपास। बहुत बार आप ये भी देखेंगे कि लाल किताब में एक ग्रह या एक प्लेनेट किसी घर में बैठ के उसके फल नहीं दे रहा। फल क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि तो लाल किताब का एक पार्ट है या एक टेक्निक है प्लेनेट का दुरुस्त होना, यानी कि प्लेनेट को उठाना। अगर प्लेनेट दुरुस्त नहीं होगा तो आपको उस घर के फल नहीं दे पाएगा। आप लाल किताब कुंडली के माध्यम से यहां तक बता सकते हो कि आपके सर्दन सेक्शन में उस दीवार पे कौन सा रंग हुआ हुआ है। आपने अपना स्टोरेज वेस्टर्न सेक्शन में बना रखा है या नहीं बना रखा है, तो ये सारी चीजें आप वर्षफल और अपने नेटल चार्ट से देख सकते हैं कि आपके नॉर्दर्न सेक्शन में, आपके वेस्टर्न सेक्शन में क्या पड़ा है, कौन से रंग का आपने सामान रखा है, आपने व्हाइट घोड़े कहाँ लगा रखे हैं जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने ग्रीन लैंडस्केपिंग या हरा पेंट कहाँ कर रखा है। ये सब वास्तु के पाठ है और इसका आधार लाल किताब वास्तु ही है। जैसे नाड़ी ज्योतिष में कारक होते हैं, ऐसे ही लाल किताब में भी कारक होते हैं। जैसे बृहस्पति लाल किताब में पिता का कारक है, आपके भाग्य का कारक है, आपकी किस्मत का कारक है,
आपकी प्रोस्पेरिटी का कारक है। शनि कर्म दाता है, इंप्लॉयज का कारक है, चाचा का, ताऊ का, कंस्ट्रक्शन मकान का कारक है। मंगल खुशियों का कारक है, पार्टनरशिप का कारक है, छोटे भाई का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, डेट्स का कारक है। लाल किताब में सूर्य आप स्वयं हो, बॉडी है आपकी, आपका राज दरबार यानी कि जॉब का कारक सूर्य है, व्यापार का कारक बुध है, आपका नेम फेम सूर्य है, आपका कॉन्फिडेंस सूर्य है। केतु लाल किताब में मूवमेंट का कारक है, आपके नर संतान का कारक है, मेल चाइल्ड का कारक है केतु। केतु एक ध्वज भी है, झंडा भी है, फकीर भी है। जुपिटर जैसे लाभ और वेल्थ का भी कारक है। शुक्र यहां रिलेशनशिप्स का कारक है, आपके लग्जरी कंफर्ट्स का कारक है, आपकी वाइफ या आपका स्पाउस का कारक है। चंद्रमा कैश लिक्विडिटी का कारक है, तो जब भी अगर आपकी कोई कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आएगी तो आप चौथे घर को देखोगे। आपके लाभ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जुपिटर का मैंने पक्का घर, सबसे इंपॉर्टेंट घर कौन सा बताया था, नौवां घर बताया था। तो नौवें घर की, पक्के घर की हालत देखेंगे कैसी है। अगर किसी के जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले घर पे नजर मारेंगे, क्योंकि सूर्य जॉब का कारक है, सूर्य राजदरबार का कारक है। किसी के व्यापार के बारे में बात करनी होगी तो हम बुध की बात करेंगे। राहु या इन लॉज का कारक है, राहु टॉयलेट का कारक है, राहु चीटिंग है, राहु फ्रॉड है, राहु स्वैग एटीट्यूड है, राहु एक जहर है। राहु के लिए कहते हैं ना कि राहु का काम है चलती गाड़ी में रोड़े अटकाना, और जिसको राहु मारे उसे कौन तारे, और जिसे राहु तारे उसे कौन मारे। कहने का अर्थ यह है कि जब अगर राहु, क्योंकि एक वो विष है राहु, जहर है, अगर वो किसी को मार देता है तो सारे प्लैनेट हट जाते हैं कि पता नहीं भाई जहर पीना ना पड़ जाए, राहु का मारा हुआ है, राहु का सताया हुआ है, हट जाओ। और जिसे अगर राहु तारता है तो भी प्लैनेट एक साइड में हो जाते हैं, पता नहीं जहर डंक मार के इसने तार नहीं दिया तो भी साइड में हो जाते हैं। तभी राहु एक धमाका है, एक एक्सप्लोजन है, एक शैडो है। चंद्रमा एजुकेशन का भी कारक है, अगर किसी की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप चंद्रमा आपके नजर मारेंगे, चंद्रमा की पक्के घर पे नजर मारेंगे, चंद्रमा की प्लेसमेंट पे नजर मारेंगे। तो यहां हम चंद्रमा को ट्रीट करेंगे एजुकेशन के संदर्भ में। तो इसमें लाल किताब में सारे पार्ट्स कवर हो जाते हैं, जो सिम्टम्स हैं उससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जो वास्तु है
उससे हम आने वाले टाइम के अपने घर की रेमेडीज कर सकते हैं, और एक इसमें रेमेडियल पार्ट है। सो लाल किताब इज वेरी गुड फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस, गिविंग रेमेडीज एंड डूइंग वास्तु। आज की एडवांस इन टुडे सिनेरियो, लाइक आई टोल्ड यू, ये जो एडवांस वास्तु है इसका बेस या इसका अंश लाल किताब वास्तु है। आप अगर कोई आर्टिकल को हटाते हैं या वहां पे कोई आर्टिकल प्लेस करते हैं, उस प्लेनेट का, सो यू आर डूइंग अ रेमेडी। या तो आप प्लेनेट की पूजा या दान करोगे, या फिर उस प्लेनेट के ऑब्जेक्ट्स को आप अपने घर से हटाओगे। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको लोग दान और पूजा करा देते हैं, बट आपको रिलीफ तब भी नहीं मिलती। वो क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि आपके घर की वास्तु खराब है। जब अभी हम थोड़ा वास्तु करेंगे तो मैं इसके आपको एक दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाऊंगा। तो बेसिकली या टेक्निकली स्पीकिंग, लाल किताब इज अ बुक दैट मेक्स योर लाइफ सिंपल एंड इजी इफ यू फॉलो द प्रिकॉशंस, डू एंड डोंट्स ऑफ लाल किताब। आप पाएंगे जिनका चंद्रमा दूसरे भाव में है, वो अपने घर पे शिवलिंग जरूर रखेंगे। और ज्यादातर वो ग्राउंड फ्लोर पे ना रह के फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे। जिसका चंद्रमा थर्ड हाउस में है, तो आप पाएंगे ऐसे व्यक्तियों को अपने चाइल्डहुड में बहुत सारे इनाम या पुरस्कार मिले होंगे अपने स्कूल डेज में। और इनकी जो मदर होगी, शी विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ हिज फादर। ये चंद्रमा 3 की प्रेडिक्शन है। अगर किसी का मंगल देखना है कुंडली में कैसा है, और छठे भाव में आपको मंगल दिख जाता है, तो आप उस व्यक्ति से पूछिए, भाई आपके मामा की कंडीशन कैसी है? अगर मामा की कंडीशन अच्छी है तो उसका मंगल ठीक है। अगर मामा की कंडीशन खराब है तो मंगल बद है। मंगल किसी का अष्टम भाव में हो तो लाल किताब कहती है कि जो ब्रदर की एज डिफरेंस होगी
चार या आठ साल की होगी। तो ऐसे ही आप इस कोर्स में नौ प्लैनेट्स हैं, बारह घर है, 108 stunning predictions you will make. At least one of every planet in every house. आप लाल किताब के माध्यम से यहां तक पता कर सकते हो कि भाई इस व्यक्ति की जेब में जो पर्स है वो गिफ्टेड है या नहीं है वर्षफल द्वारा, और इसमें जो करेंसी भी है वो कौन सी करेंसी है। आप अपने फादर की कंडीशन, अपनी बहन की कंडीशन, अपनी मदर की कंडीशन, अपने भाई की कंडीशन अच्छी है या बुरी है, आप लाल किताब के माध्यम से आसानी से बता सकते हो। अब मेन एंट्री एक बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, आप लाल किताब के माध्यम से अपने घर की मेन एंट्री यानी कि लाल किताब वास्तु के माध्यम से यू कैन इजिली सी व्हाट एंट्री इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड व्हाट एंट्री इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपका शनि तीसरे भाव में है यहां लाल किताब कहती है नगद धन की कमी देता है, यहां शनि कैश लिक्विडिटी देता है, चाहे प्रॉपर्टी जितनी मर्जी हो बट कैश लिक्विडिटी देता है यहां बैठ के, ऐसी अगर चंद्रमा सॉरी अगर शनि चार में होगा तो ये बहुत ही विचित्र बात कहती है लाल किताब कि शराब अमृत है, पानी विष है, वाटर इज पॉइजन, अल्कोहल इज गंगाजल फॉर द पर्सन हैविंग सैटर्न इन द फोर्थ हाउस। और ये सत्य है ये बात, वो बीमार हुआ हो व्यक्ति उसको दो ढक्कन डाल देना मुंह में ठीक हो जाएगा, रिकवरी की स्टेज पे चल पड़ेगा वो, क्योंकि वो अमृत का काम करती है। अगर किसी का शनि छठे भाव में है, अगर वो कोने के घर में रहेगा और अनुमान उसको कोने का घर ही मिलता है, उसकी कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके करियर फाइनेंशियल ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाएगी, आप जितने मर्जी पूजा पाठ कर लो, जितने मर्जी दान कर लो शनि के, जब तक आप अपना घर नहीं बदलोगे आपको रेमेडी का निवारण नहीं मिलना। अब दुनिया में जितने मर्जी पंडितों के पास चले जाओ, क्योंकि लाल किताब में कुछ ये स्पेसिफिक पोजीशंस हैं, वास्तु की जो खराब है,
आपका बुध तीसरे भाव में बैठ जाए या अष्टम भाव में बैठ जाए। तीसरा भाव क्या है? साउथ सेक्शन। और आठवां भाव क्या है? साउथ वॉल। आपके व्यापार को उड़ा देगा अगर आप गलती से साउथ फेसिंग मकान में चले गए। आपको सिस्टर को प्रॉब्लम दे देगा, आपकी बुआ को प्रॉब्लम दे देगा, आपकी डॉटर को प्रॉब्लम दे देगा। फाइनेंशियली नहीं देगा तो मेंटली दे देगा। उनके भाग्य को उड़ा देगा। तीसरे से बैठ के वो नवम को देखता है। और आठवें से दूसरे को देखता है। सो हियर इट विल कंप्लीटली डैमेज। चंद्रमा किसी का पांच हो, वो व्यक्ति आपके पास आया बेचारा कि मेरा तो कैरियर रीसेट नहीं हो रहा, मेरे तो इतनी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। वो तो कहते हैं जी मैंने सारे उपाय करके देख लिए बट मेरा कैरियर रीसेट नहीं होता। लाल किताब चंद्रमा पांच वाले के लिए बोलती है कि जो भी वो पढ़ेगा, जो भी पढ़ाई करेगा, अगर उसके विपरीत जाके कोई प्रोफेशन करेगा तो उस प्रोफेशन में उसको कामयाबी मिलेगी, वरना उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। जितने मर्जी उपाय कर ले वो चंद्रमा पांच वाला। उसको कामयाबी ही उस प्रोफेशन में मिलेगी। मान लीजिए कोई एमबीए है और वो मार्केटिंग कर रहा है, तो उसको मार्केटिंग में एमबीए वाले को नहीं मिलेगी, वो कोई और टेक्निकल काम कर ले या कोई एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाए। ये एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि एस्ट्रोलॉजी से ही जुड़े। या कोई इंजीनियर है, चंद्रमा पांच लेके बैठा है, वो ऑकल से जुड़ जाए। और इसके साक्षात एग्जाम्पल है हमारे पास, हमारे राहुल कौशिक साहब इंजीनियर थे, एस्ट्रोलॉजर बन गए। इंजीनियरिंग में इतनी नाम फेम नहीं मिला, इतना धन नहीं अर्जित करा जितना एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से कर रहे हैं। आप चंद्रमा पांच वाले को ना जो उसकी हॉबी है उसे प्रोफेशन बना दे, उसका इंटरेस्ट भी रहेगा, मन भी लगा रहेगा। या कोई भी काम कर ले अपने आप पढ़ाई के विपरीत कर ले। उसे कामयाबी 101% मिल जाएगी। या कोई स्टॉक मार्केट का काम कर ले अगर कोई एमबीए है जिसका कोई लेना देना नहीं हो, या इंजीनियर है स्टॉक मार्केट में काम कर ले, किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर ले, कुछ भी कर ले फॉर दैट मैटर। लाल किताब एक ऐसी किताब है वो आपको क्यों का जवाब देती है। वाई का जवाब आपको लाल किताब से मिलेगा।
So it is not a book of remedies. It is a book of precautions. जो आपका नेटल चार्ट है, जो आपकी फितरत है, आपने उस घर के हिसाब से अलाइन कर लिया और फिर हर साल वर्षफल के हिसाब से भी आप अलाइनमेंट कर रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी की। योर लाइफ विल बी वेरी वेरी इजी। अब किसी का अगर राहु सप्तम भाव में बैठ जाए, उसके बिजनेस को डेंट लग जाएगा। क्यों लगेगा डेंट बिजनेस को? क्योंकि लाल किताब में शुक्र और राहु की एनिमिटी है। या उसके रिलेशनशिप्स को उड़ा देगा राहु वहां बैठ के। तो लाल किताब सिंपल बोलती है कि नेवर डोमेस्टिकेट अ पेट एनिमल इफ यू हैव गॉट राहु इन द सेवेंथ हाउस। खाना नंबर सात में अगर राहु होगा, डोंट डोमेस्टिकेट एन एनिमल। और आजकल एनिमल जो ज्यादातर लोग डोमेस्टिकेट करते हैं वो डॉग ही करते हैं। अगर उसने गलती से डोमेस्टिकेट कर लिया, या तो व्यापार उड़ जाएगा या फिर बीबी के साथ रिलेशनशिप उड़ जाएगी, या बीबी छोड़ के चली जाएगी, या सही या सुखी उड़ जाएगा। किसी ने आपको राहु के राहु सप्तम में है, उसने राहु के दान आपको सजेस्ट कर दिए। दान अपनी जगह काम करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि दान और पूजा पाठ काम नहीं करती या राहु का बीज मंत्र काम नहीं करता, बट उससे ज्यादा इफेक्टिव प्रिकॉशंस काम करेंगी। और वो प्रिकॉशंस क्या है? जो आपकी लाल किताब में आपका राहु सप्तम में आया, उस टाइम आप एक डॉग ले आओगे घर पे डोमेस्टिकेट करने के लिए, वो खुद ही आ जाएगा ना। तो आपको वो काम नहीं करना है। अगर आप अपनी प्रिकॉशंस पे जो लाल किताब बोलती है आपको उस पे एक्शन ले लोगे, आपकी प्रॉब्लम का निवारण मिल जाएगा। लाल किताब आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बताती है। इट इज अ फ्यूजन ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बिकॉज कारक्स आर हियर। इट इज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, इट इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ पराशरी। लाल किताब में जो प्रिडिक्शन है ना, उनका कोई साइंटिफिक आधार है, तत्व है कोई साइंटिफिक, ऐसी नहीं लिखी गई है वहां। अगर लाल किताब में लिखा है कि रात को दूध या दूध की बनाई हुई चीजों का सेवन मत करना, अब बोलोगे यार ये क्या रबिश है? ये रबिश नहीं है, इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। अगर आपका चंद्रमा दस है तो लाल किताब क्लियरली लिखती है
दूध का सेवन या मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन रात को हानिकारक है। क्यों हानिकारक है भाई? क्योंकि पक्का घर किसका है? शनि का। शनि रात्रि का मालिक है और हमारा आयुर्वेदा भी ये बोलता है कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम जो हमारे त्रिदोष होते हैं वाग पित्त और कफ, रात के समय में कफ की मात्रा या कफ की प्रवृत्ति इंक्रीजेस। तो अगर आप दूध का सेवन करेंगे सो इट इज मोस्ट लाइकली दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करेंगे रात्रि को, चंद्रमा दस लेके बैठे हो, तो आपको कफ प्रवृत्ति जैसी बीमारियां हो जाएंगी। जो प्रिडिक्शंस आप पराशरी से, केपी से, माड़ी से एट अ ग्लांस नहीं कर सकते, वो सारी स्टनिंग प्रिडिक्शंस आप लाल किताब से कर देंगे। कल हमने जो बात करी, पक्के घर की बात करी, आज हम फ्रेंडशिप एनिमिटी की बात करेंगे। लाल किताब में हम 12 घरों को इंपॉर्टेंस देते हैं, हाउसेस को, यहां राशिस को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आपके लिए भी और मेरे लिए भी एक ही लगन है, वो मेष लगन ही है, एरीज लगन ही है। तो यहां आज हम जानेंगे फ्रेंडशिप एनिमिटी ऑफ द प्लैनेट्स के वो कहां बैठ के उसके पक्के घर में जड़ को कैसे खराब करते हैं, प्लैनेट की जड़ को। किस्मत का कारक कौन है? किस्मत का कारक बृहस्पति है। जरा कोई लिखेगा कि बृहस्पति के पक्के घर कौन कौन से हैं? ये लिखा है राजकुमार जी ने, बिल्कुल सही लिखा है, 2, 5, 9, 11, 12। अब इन सब में से बृहस्पति का सबसे इंपॉर्टेंट घर कौन सा है? नाइन्थ हाउस। अगर नौवें घर में राहु बैठ जाता है किसी का, तो नौवां घर वास्तु के हिसाब से
ब्रह्म स्थान है, सेंटर ऑफ योर हाउस, तो यहां आप अगर आपका राहु नाइन्थ में बैठा है, नौवें घर में बैठा है या खाना नंबर नौ में बैठा है, तो प्रिडिक्शन क्या बनेगी कि सेंटर ऑफ द हाउस में ब्रह्म स्थान में कोई टाइल टूटी हो सकती है या राहु के कोई आर्टिकल्स नॉन वर्किंग गैजेट्स आपको मिल सकते हैं और वो मिलेंगे जब तक आप उसको नहीं हटाओगे अपने घर से, आपकी किस्मत का कुछ होने वाला नहीं है। आपकी किस्मत, आपका भाग्य या राहु खराब कर रहा है। नौवां घर ब्रह्म स्थान है, तो जब तक आप अपने ब्रह्म स्थान से राहु के आर्टिकल्स नहीं हटाओगे, आपकी किस्मत का निवारण नहीं मिलेगा। यह पता चला कि आपने सेंटर ऑफ द हाउस में ही नीली टाइलें लगा दी और कुछ भी नहीं करा डिजाइन बनाने के लिए, चौपट कर देगा वो आपकी किस्मत को, आपके भाग्य को, आपकी फादर की प्रोस्पेरिटी को उड़ा के रख देगा। घूमते रहना फिर सारे पंडितों के पास कि जी मेरा तो लकी, मेरा तो भाग्य नहीं साथ देता, कहां से दे देगा साथ। आपने खुद ही राहु देवता को निमंत्रण दे दिया कि आ जा भाई, विराजमान हो जा। किसी का चंद्रमा चौथे भाव में है, ये चौथा भाव वो पक्का घर चंद्रमा का है, वहां केतु जैसा ग्रह आके बैठ जाएगा। तो कल मैंने आपको बताया था ना कि केतु क्या करता है, केतु चंद्र ग्रहण लगाता है, तो प्रिडिक्शन क्या बनेगी, प्रिडिक्शन ये बनेगी कि इस व्यक्ति के बर्थ प्लेस पे ग्रहण लग गया है। और आप पाएंगे लाल किताब साफ साफ लगती है, केतु चौथा चार साल के अंदर अंदर या तो घर चेंज हो जाता है उस व्यक्ति का। पूछ लेना कोई भी केतु चार लेके चल रहा, घर बदल लेगा चार साल के अंदर अंदर, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ है। तो जब तक वो रेजिडेंस अपना चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बर्थ प्लेस पे उसको ग्रहण लग गया है, तो लाल किताब साफ साफ बोल रही है भाई घर बदल ले, ये मदरलैंड पे या तेरी बर्थ प्लेस पे ग्रहण लगा हुआ है क्योंकि वो मां की गोद है। पहला घर पक्का घर किसका है, सूर्य का। राहु बैठ गया वहां पहले घर में, तो क्या करेगा राहु, सूर्य क्या है, बॉडी, बॉडी को ग्रहण लग जाएगा। पहला साल उससे पूछ लीजिएगा बड़ा कष्ट में बीतेगा, द फर्स्ट ईयर विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर द पीपल हु आर बॉर्न विद राहु वन।
केतु क्या है? केतु मूवमेंट है, ट्रैवल का कारक है लाल किताब में। केतु नरसंतान का भी कारक है। अगर केतु का कोई दुश्मन, जो केतु का पक्का घर है, वो छठा घर है, वहां अगर मंगल जैसा ग्रह बैठ जाए या चंद्रमा बैठ जाए, तो मंगल हानि पहुंचाएगा ना केतु को। केतु क्या मूवमेंट, तो आपकी टांगों में प्रॉब्लम आ जाएगी, मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। केतु स्पाइन है, आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम ले आएगा, क्योंकि तो मंगल विल डैमेज केतु देर। केतु नाना पक्ष को दर्शाता है, राहु दादा पक्ष को दर्शाता है, तो इसलिए मामों का भी हाल बुरा कर देता है। अगर केतु ठीक नहीं हो, छठा घर खराब हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपके मामाओं को भी प्रॉब्लम दे देता है। क्योंकि छठा घर आपके मेटर्नल अंकल्स का है, 12वां घर आपके पेरेंटल अंकल्स का है। पक्का घर इन शॉर्ट इज द एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ अ प्लैनेट। हम बोलते हैं ना कि हमारे एंसेस्टर्स में, हमारे पूर्वजों के तो भाई सारी वास्तु भी अच्छी होती थी, सब कुछ होती थी, उसमें तो कम से कम वास्तु दोष निकलता था। तो ऐसे ही पक्का घर इज दी एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ द प्लैनेट। पहला घर आपका ईस्टर्न सेक्शन है, अगर राहु आपके पहले घर में बैठा है और सूर्य पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव आपका ईस्टर्न वॉल है। सेक्शन एक अलग है, मैं समझाऊंगा सेक्शन क्या होता है और वॉल क्या होती है। सूर्य पंचम में है, राहु पहले घर में है, तो आपको राहु के आर्टिकल्स ईस्टर्न वॉल से हटाने पड़ेंगे। पता चला कि आपने नीला पेंट ही कर दिया, या कोई भी राहु के आर्टिकल्स लाके उस ईस्टर्न वॉल पे लगा दिए, तो ऐसा मत करना। अब आप लोग ये कुछ डायरेक्शंस लिख लीजिए, फिर कुछ हम प्रिडिक्शंस करेंगे।
वास्तु के हिसाब से। फर्स्ट हाउस इज योर ईस्टर्न सेक्शन, यानी कि वो आपके घर का ईस्टर्न हिस्सा है। आप हिस्सा कैसे निकालेंगे? आप अपने भ्रम स्थान से जितना ईस्टर्न एरिया आ रहा है आपके घर का, दैट इज योर ईस्टर्न सेक्शन। और वो ईस्टर्न सेक्शन वहां खत्म हो जाएगा भ्रम स्थान से जहां पे ईस्टर्न वॉल आ जाएगी। राहु पहले में है, सूर्य दसवें में है, ग्रहण किसको लगा? प्रोफेशन को। तो आपको दसवां घर जहां सूर्य बैठा है उसकी डायरेक्शन वेस्ट है, वेस्टर्न सेक्शन है घर का। वहां से राहु का समान नहीं हटाओगे तो आपका निवारण नहीं होएगा, क्योंकि उस जगह को ग्रहण लगा हुआ है, आपको उस जगह को ठीक करना पड़ेगा। तो ऐसे ही वास्तु के माध्यम से ना बहुत सारी प्रिडिक्शंस, अनगिनत प्रिडिक्शंस कर सकते हो लाल के नाम। तो फर्स्ट हाउस इज योर ईस्टर्न सेक्शन। सो फ्रॉम भ्रम स्थान यू विल सी द सेक्शन विच इज फेसिंग द ईस्ट, दैट इज योर ईस्टर्न सेक्शन। सेकेंड हाउस इज योर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। थर्ड हाउस इज योर साउथ सेक्शन। दक्षिणी सेक्शन आपके घर का, दक्षिण सेक्शन। फोर्थ हाउस इज योर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फिफ्थ हाउस, जैसे मैंने आपको बोला, इट इज योर ईस्टर्न वॉल। तो जो ईस्ट सेक्शन है पहले घर का, इट विल फिनिश वेयर द ईस्टर्न वॉल इज देयर, इट इज ओनली टिल दैट एरिया। सिक्स्थ हाउस इज योर नॉर्थ सेक्शन, कंप्लीट सेक्शन विद वॉल। When I'm using the word complete section, it means the wall is also in that area. So sixth house is your north section, complete. Seventh house is your southwest, complete section, including wall. Eighth house is your southern wall. Ninth house is your Brahmstan. It's the center of your house. Tenth house is your western section. Eleventh house is your western wall. Twelfth house is your southeast direction. आप लोग एक कुंडली बना लीजिए, उसमें एक से लिख के 12
घर लिख दीजिए, पहले घर से चालू करके मेष लगन की बेसिकली पत्रिका बनाइएगा। और ये जो मैंने आपको प्लेसमेंट्स बोली हैं उनको एज इट इज ये डायरेक्शंस लिख दीजिए। इसके बाद आपको वास्तु का मजा आएगा। अगर आपने पत्रिका बना ली है तो मैं आगे चलता हूं। सर एक बार रिपीट करिएगा, राखी जी। राखी जी मैं रिपीट कर देता हूं, योर फर्स्ट हाउस इज योर ईस्टर्न सेक्शन, योर सेकेंड हाउस इज योर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, सेक्शन मीन्स हिस्सा, फ्रॉम योर ब्रह्म स्थान टिल द पॉइंट वेयर दैट वॉल इज कमिंग, द ईस्टर्न वॉल। थर्ड हाउस इज साउथ सेक्शन, द फोर्थ हाउस इज योर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, द फिफ्थ हाउस इज योर ईस्टर्न वॉल, योर फिफ्थ हाउस इज योर ईस्टर्न वॉल, योर सिक्स हाउस इज योर नॉर्थ सेक्शन कंप्लीट, सेक्शन प्लस वॉल। सेवेंथ हाउस इज योर साउथ वेस्ट कंप्लीट, मीन्स सेक्शन प्लस वॉल। एट्थ हाउस इज योर सर्दन वॉल। नाइन्थ हाउस इज द सेंटर ऑफ योर हाउस, योर ब्रह्म स्थान। टेंथ हाउस is your western section. 11th house is your western wall. 12th house is your southeast direction. तो अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि मेरी जॉब में प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? आप ईस्टर्न सेक्शन और ईस्टर्न वॉल में सन के आर्टिकल्स लगा देंगे। पक्का घर किसका है? पहला घर सूर्य का। पंचम घर राशि किसकी है? सूर्य की। तो आप सूर्य के आर्टिकल्स लगा देंगे अगर नेम फेम में प्रॉब्लम आ रही है आपको, या राज दरबार में प्रॉब्लम आ रही है, या बॉडी की हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे आप अपने घर में सूर्य के आर्टिकल्स प्लेस कर दें, क्योंकि तो वहां सूर्य एग्जॉल्टेशन में होता है पहले घर में। तो आप अपने ईस्टर्न सेक्शन में है ना, कितना सिंपल है ना, ना कोई डाउजिंग कर रहे हैं, ना हम कोई मेजर रेमेडी कर रहे हैं, हम तो वास्तु का बेस पकड़ रहे हैं। सन के आर्टिकल्स, अगर मैं यहां आर्टिकल्स करने लग गया फिर भी मैं आपको बता देता हूं, गेहूं है, ऑरेंज कलर है, गुड़ है, जैगरी है, लाल बंदर वाली कोई फोटो लगा दो,
कॉपर लगा सकते हैं आप, जो मेटल है सूर्य का। अगर कोई आपके पास आता है कि मेरी कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे? आप कोई भी चीज रख दीजिए, चाहे आपने गेहूं रख दिया हो वहां, वो भी उतना ही काम करेगा, या ऑरेंज रंग रख दिया वो भी उतना ही काम करेगा, या कोई सूर्य की फोटो लगा दी हो वो भी उतना ही काम करेगा, सूर्य देवता की। अगर कोई आपके पास समस्या लेके आता है, जी मेरे को कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, कैश लिक्विडिटी का कारक कौन है? आप सबको पता है, चंद्रमा है। तो आप क्या करेंगे, कौन से डायरेक्शन में क्या लगाएंगे? लिखे कोई, विच डायरेक्शन विल यू प्लेस व्हाट? नॉर्थ वेस्ट, वेरी गुड। व्हाट विल यू प्लेस? व्हाइट हॉर्सेस, एक्सेलेंट। सिल्वर, राइस, यू कैन प्लेस वॉटर। सो दिस इज द रेमेडी दैट यू विल डू, इट्स वेरी सिंपल। अंजू जी लिख रही है गंगा जल, उससे कोई प्योर फॉर्म हो ही नहीं सकता। आप चांदी रख दीजिए, इट विल एक्ट। आप सफेद घोड़े रख दीजिए, वो काम करेगी। ऐसे ही अगर आपके व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, तो व्यापार के लिए हम कौन सा घर देखेंगे? व्यापार का कारक सुशील जी बुध है। बुध के दो पक्के घर हैं, छठा और सातवां। तुम छठे घर में ग्रीन लैंडस्केपिंग करा देंगे या सातवें में करा देंगे? छठे घर की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ सेक्शन कंप्लीट। क्योंकि बुध को मैं छठे के लिए इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि वहां एग्जॉल्टेशन में होता है बुध। तो छठे घर में अगर व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी सिस्टर को प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बुआ को प्रॉब्लम आ रही है, आपकी डॉटर को प्रॉब्लम आ रही है, ये छठा घर लेन देन का भी है ना, ह्यूज हाउस ऑफ मनी, सेवा भाव है। जो भी आप सेवा दे रहे हैं उसके अवज में आपको पैसा छठा घर दिलवाता है। तो छठे घर में आप लैंडस्केपिंग कर दीजिए। आपका चौथा घर किस चीज का कारक है? चंद्रमा का कारक है, आपकी मदर क्या है की प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हम किसी से भी पूछते हैं कि भाई हमारा मंदिर कहाँ होना चाहिए, तो चौथे घर की डायरेक्शन क्या है, कोई भी छूट के बोल देता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्यों? मंदिर क्यों नॉर्थ ईस्ट में रिकमेंडेड होता है? क्योंकि बृहस्पति वहां एग्जॉल्टेशन में होता है और बृहस्पति लाभ का भी कारक है।
तो अगर आप बृहस्पति की आर्टिकल्स को वहां प्लेस कर देंगे, मंदिर बना देंगे, तो आपको लाभ मिलेगा। उल्लाल किताब में बृहस्पति 5 घरों का रूलर है, किस्मत भी। पास्ट कर्मास भी, एक्यूमुलेटेड वेल्थ भी, लाभ भी। आपका भाग्य भी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी। आपके कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। कंस्ट्रक्शन का कारक कौन है? शनि। तो आप क्या करेंगे अगर कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ रही है? दसवें घर की डायरेक्शन क्या होती है? वेस्ट डायरेक्शन। किसका सामान रखेंगे यहां? सैटर्न का। मंगल का नहीं रखना है, मंगल कंस्ट्रक्शन का कारक नहीं है। अब शनि का सामान रखेंगे। और गलती से भी अगर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही हो तो आप लाल पेंट वेस्ट डायरेक्शन में मत कर देना जाके, या कोई हथियार किसी ने गिफ्ट कर रखा वही आपने टांग दिया, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मंगल भूमि का कारक है, कंस्ट्रक्शन का कारक नहीं है। देखिए सर, क्या हम वेस्ट डायरेक्शन में मंदिर बना सकते हैं क्या घर में? अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं मिल रही है, तो आप वेस्टर्न वॉल पे बना दीजिए। वेस्टर्न वॉल 11वां घर है, वो भी बृहस्पति का ही घर है। ग्यारहवें घर की डायरेक्शन वेस्टर्न वॉल है, वेस्टर्न सेक्शन 10वां घर है। मैंने 10वां घर सुशील जी इसलिए नहीं बोला, मैंने इसलिए 11वां घर बोला है। 11वें घर में कोई ग्रह ना तो डेबली होता है ना कोई एग्जॉल्टेशन पाता है। किसी का चंद्रमा 10वें भाव में बैठा हुआ है, यहां आप पाएंगे कि ज्यादातर टैंक अंडरग्राउंड शनि है, उसमें पानी जो अंडरग्राउंड जाता है वो चंद्रमा है। शनि और चंद्रमा का आप एनिमिटी शत्रुता जानते हैं। बोरिंग इज प्योर चंद्रमा, अंडरग्राउंड टैंक इज शनि एंड चंद्रमा।
तो आपके अगर कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही है और आपने ये मिलाप कर रखा है या तो बोरिंग करवा रखी है वेस्ट डायरेक्शन में घर के, तो होगा क्या? प्रॉब्लम ही आएगी ना। वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कब आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी जब चंद्रमा का अरसा आएगा या शनि का अरसा आएगा। जब शनि किसी का छठे भाव में आएगा, वर्ष फल में, उस व्यक्ति को स्टोरेज नहीं बनानी चाहिए अपनी नॉर्थ सेक्शन में, प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि छठे में बैठ के कुछ 6 8 12 से, 3 6 8 12 3 चारों घरों से, जो आपको पता है कैसे घर हैं, प्रॉब्लम तो देता ही है। तो नॉर्थ सेक्शन में आप स्टोरेज नहीं करेंगे, बट आप जबरदस्ती लाके ना नॉर्थ सेक्शन में अपनी स्टोरेज बना दोगे जब शनि वर्ष फल में आएगा। तो आपको नहीं बनानी है, यही प्रिकॉशंस रेमेडी है, नहीं तो बीमार कर देगा। वो बीमारी का कारक है, ब्लॉकेजेस का कारक है, छठे घर में बैठ गया, पेमेंट ब्लॉक कर देगा। फिर निरंजन करते रहना, उसके दान करते रहना, कुछ नहीं होगा। मंगल छठे में आ जाए, अपनी नर संतान का ख्याल रख लेना, अपनी मूवमेंट का ख्याल रख लेना, और गलती से भी मंगल के समान वर्ष फल में जब आ जाए, लाल रंग, कोई मिर्चें, कोई बंदूक, किसी ने आपको डोनेशन दी या डोनेट करी, या कोई भी वेपन, कोई तलवार खरीद लाए के सजा दी आपने चमचमाती हुई नॉर्थ डायरेक्शन में, लड़ाइयां करा देगा, कोर्ट कचहरी भिजवा देगा। तो बेसिकली आपको एक तो आर्टिकल्स वहां रखने नहीं है, अगर रखे भी हैं तो उनको हटा दो उस साल के लिए, अगले साल रख लेना, मना नहीं कर रही लाल किताब, उस साल तो रखने ही नहीं है। देखो, या तो आप ग्रह के उपाय करें, दान पूजा करें, वो भी उतना ही इफेक्टिव है जितना ये वास्तु की रेमेडी इफेक्टिव है। अगर आप दोनों ही कर देंगे तो बहुत बढ़िया फल आएगा। तो हमेशा जब रेमेडी करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले तो आप आर्टिकल्स हटाएं उस डायरेक्शन से, आपका काम वैसे ही हो जाएगा। चलिए अब फ्रेंडशिप एनिमिटी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस लेंगे। लिख लीजिए, सूर्य ये कुछ ना कुछ पराशरी से मिलते हैं, सूर्य के मित्र जुपिटर, चंद्रमा और मंगल हैं। सूर्य के दुश्मन एनिमिटी शनि, वीनस और राहु से है। अगर केतु लग्न में बैठ गया
ये मत कहना कि सूर्य की जड़ खराब हो गई, वो न्यूट्रल है। बुध बैठ गया लगन में तो वो न्यूट्रल है। जड़ तब खराब होगी अगर शत्रु ग्रह बैठ जाएगा उसके पक्के घर में। अगर शनि बैठ गया तो जड़ खराब होती है सूर्य की, शुक्र बैठ गया तो जड़ खराब होती है, राहु बैठ गया तो जड़ खराब होती है, केतु के बैठने से या बुध के बैठने से जड़ नहीं खराब होगी। चंद्रमा की फ्रेंडशिप है सूर्य और बुध से, और दुश्मनी है केतु से। बाकी शनि, जुपिटर, मंगल, राहु, और वीनस आर न्यूट्रल। मंगल में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, फ्रेंडशिप। मंगल के दो दुश्मन है केतु और बुध, और जो न्यूट्रल हैं वो है राहु, वीनस, सैटर्न। राहु के दो मित्र हैं बुध और शनि, जो दुश्मन है वो है सूर्य, मंगल और शुक्र। पराशरी में आपने पढ़ा होगा कि शुक्र भी मित्र है, बट लाल किताब में नहीं है। इसके पीछे एक लॉजिक है, असुरों का देवते शुक्र भगवान थे, उनको भगवान का औदा मिला हुआ था बिकॉज ही वॉज ब्रह्मास, वो ब्रह्मा के वरदान थे। राहु असुरों का देवता बनना चाहता था, तो इनमें ये वाला कॉन्फ्लिक्ट था। राहु शुक्राचार्य जी को बोलता था, भैया तुम भगवान हो, तुम जाओ भगवान की नगरी में जाओ, यहां क्या कर रहे हो असुरों के पास। तो इसलिए दुश्मनी है राहु और शुक्र में। केतु, मंगल, जुपिटर आर न्यूट्रल एज पर लाल किताब। सॉरी, केतु, मून, जुपिटर आर न्यूट्रल और फॉर राहु। जुपिटर का मित्रता सूर्य, चंद्रमा, मंगल से है। एनिमिटी बुध, शुक्र और राहु से है। केतु एंड शनि आर न्यूट्रल फॉर जुपिटर। शनि की मित्रता बुध, राहु, शुक्र से है। सूर्य, मंगल और चंद्रमा एनिमिटी है। और जो न्यूट्रल है शनि के लिए वो जुपिटर और केतु है। बुध के लिए जो फ्रेंड्स हैं, मित्रता है, वो सूर्य, राहु, शुक्र, दुश्मनी चंद्रमा से है। और जो न्यूट्रल है वो जुपिटर है, केतु है, मंगल है, शनि है। मतलब कि जो ये दुश्मन है ना, ये अगर उसके घर में बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम देंगे।
जैसे चंद्रमा बुध को दुश्मन नहीं मानता, मित्र मानता है, बुध चंद्रमा को दुश्मन मानता है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे एक दो एग्जांपल से। बुध मैंने करा दिया आप लोगों को, फिर भी करा देता हूं। बुध के जो फ्रेंड्स हैं वो सन राहु शुक्र हैं, एनिमी चंद्रमा है, जुपिटर केतु मंगल शनि न्यूट्रल हैं, केतु की मित्रता शुक्र से है, चंद्रमा और मंगल उसके दुश्मन हैं, शनि जुपिटर राहु बुध और सूर्य न्यूट्रल है। शुक्र के लिए शनि केतु बुध आर फ्रेंड्स, सन मून राहु आर एनिमीज, मंगल एंड जुपिटर आर न्यूट्रल। अगर किसी की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बो है तो भैया रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम रहेगी, मदर और वाइफ में। उसको एक ही सुख मिलेगा, या तो माँ का मिलेगा या बीवी का मिलेगा। तो मां को छोड़ के अलग ही चला जाए अगर उसको बीबी का सुख चाहिए। इस कॉम्बो में दोनों का सुख तो मिल नहीं सकता। अगर चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ गया तो व्यापार के लिए तो अच्छा है, क्योंकि बुध उसका दोस्त है। इसलिए चंद्रमा सात को लाल किताब एक फ्रेज यूज करती है, लक्ष्मी का अवतार, इट इज गुड फॉर मनी, बट रिलेशनशिप्स खराब कर देगा। क्योंकि शुक्र का दुश्मन है, शुक्र उसको दुश्मन मानता है। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह सप्तम भाव में बैठा है अगर वो आपको नेगेटिव फल दे रहा है, उसकी आइटम्स आपको आपके बेडरूम में मिलेंगी। क्योंकि ज्यादातर टाइम एक हस्बैंड वाइफ यूजली स्पेंड एटलीस्ट व्हाट 7-8 आवर्स और 10 आवर्स इन द बेडरूम ओनली, तो वहां वो आर्टिकल्स मिलेंगे उस ग्रह की। राहु जैसा ग्रह बैठ जाए वो आपके मैरिटल रिलेशनशिप्स को खराब कर देगा, उसके आर्टिकल्स मिलेंगे। वैसे तो आजकल बेडरूम में अटैच टॉयलेट्स होते ही हैं, बट फिर भी आपको राहु की चीजें, नॉन वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक्स, यू विल फाइंड इट देयर। या आपके नीला रंग हो रखा होगा बेडरूम में, नीले पर्दे लगा रखे होंगे। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो जो उनसा दृष्ट कर रहा है लाल किताब की दृष्टि से, उसके इफेक्ट्स दिखेंगे। अगर मंगल जैसे छठे भाव में बैठ जाता है, छठा भाव पक्का घर किनका है, बुध और केतु का, और दुश्मनी में मैंने बताया मंगल के दोनों दुश्मन हैं, बुध भी है
और केतु भी है। बुध न्यूट्रल मानता है मंगल को, दुश्मन नहीं मानता। तो यहां मंगल ज्यादा हार्म नहीं करेगा बुध को, बट केतु के कार्य तत्वों को, आपके मेल चाइल्ड को, आपकी मूवमेंट को प्रॉब्लम दे देगा। तो यहां केतु भी गया ज्यादा और बुध भी गया, तो बुध नहीं गया, केतु और मंगल दोनों को प्रॉब्लम रहेगी। बुध फिर भी ठीक है क्योंकि बुध विल नॉट हार्म मंगल इन शॉर्ट। अगर ऐसे ही छठे में चंद्रमा बैठ जाएगा, चंद्रमा का दुश्मन केतु है और केतु के बुध का दुश्मन चंद्रमा है और केतु का भी दुश्मन चंद्रमा है, तो यहां तीनों ही खराब हो जाएंगे। चंद्रमा छठे में बैठ जाएगा तो इट इज गोइंग टू हार्म योर सिस्टर, योर डॉटर, योर व्यापार, नर संतान, कैश लिक्विडिटी, तो आपको नॉर्दर्न सेक्शन में जितना भी चंद्रमा का सामान है वो हटा दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स बहुत हो जाएंगी। यहां अगर आपने चंद्रमा की ट्रीटमेंट कर दी तो बुध भी ठीक हो जाएगा और केतु भी ठीक हो जाएगा। यह प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कब आएगी? जब मैंने कहा प्लैनेट का अरसा आएगा। अगर कोई प्लैनेट का अरसा 6 साल के लिए होता है तो उसमें 6 साल में 3 सब अरसे चलते हैं, यानी कि दो दो साल के लिए बाकी प्लैनेट्स के सब अरसे आएंगे, और 2 साल में भी 8 8 महीने के सब अरसे आएंगे, जैसे विषुवतरी दशा में होता है हमारा महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा। और इनके जो इफेक्ट्स है ना, आपको जब विषुवतरी दशा में भी एक्टिवेशन होंगे तो भी मिल सकते हैं आपको, जब आपका चंद्रमा छठे में होगा या कोई भी ग्रह जब खराब प्लेस होगा तो आपको विषुवतरी दशा में भी उसके बुरे इफेक्ट मिल सकते हैं। तो फाइनली टू एनालाइज अ प्लैनेट, सबसे पहले हम पक्का कर देखेंगे उस प्लैनेट का, हम देखेंगे कि वो प्लैनेट अपनी फ्रेंडशिप साइन में बैठा है या एनिमिटी साइन में बैठा है। पहले उस पक्के घर का हाल जानेंगे, फिर उस प्लैनेट का हाल जानेंगे कि वो अपने फ्रेंडशिप या एनिमिटी में बैठा है। अगर दुश्मन ग्रह बैठ जाएगा उसके पक्के घर में तो जड़ को खराब कर देगा। फिर हम देखेंगे कंजंक्शंस को, युति, फिर हम दृष्टि देखेंगे लाल किताब की, जो कि कल मैं आपको थोड़ा बहुत करा दूंगा दृष्टि। और अगर ये प्लैनेट, इसका पक्का घर भी अच्छा है, इस प्लैनेट का प्लेसमेंट भी अच्छी है, इस प्लैनेट पे कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी नहीं है, इस प्लैनेट की युति भी अच्छी है, मित्र गुणों के साथ बैठा है युति में, तो वो प्लैनेट आपकी कुंडली में बेस्ट प्लैनेट है।
चलिए आई थिंक वी विल टेक सम क्वेश्चंस. इट्स बीन 1.5 आवर्स. जी बताइए इफ देर आर एनी क्वेश्चंस. माधवी जी आपने हैंड रेज करा हुआ है, आप बताइए. स्वाति जी कैन यू, या ओके यू कैन नमस्कार म्यूट. सर। जी ओम नमः शिवाय. सर कल का मेरा एक क्वेश्चन था, आपने जी कल ना राहु एंड मर्क्यूरी इफ दे आर इन 8, 9, 11, 12 जी वो कुछ उपाय बताए, तो इफ ओनली राहु इज देयर इन 8 और इन 12 तो जी क्या उपाय करना चाहिए? देखो राहु के कुछ उपाय हैं. अगर राहु 9th में है तो वहां बृहस्पति की सपोर्ट ले सकते हैं. आप अपनी नाभि पे, अपनी जबान पे, अपने माथे पे केसर का तिलक लगा सकते हैं. वैसे राहु की बेस्ट रेमेडीज है जो मैंने नारियल वाली बताई. बाकी आप अपने वेट के हिसाब से जो बार ले लीजिए उसको दूध में मिक्स करिए और उसको जल प्रवाह कर दीजिए. इट इज अ वन टाइम रेमेडी. अदरवाइज राहु की सबसे सिंपल रेमेडी है कि आप अपने बाथरूम को रोज साफ या कमोड को साफ करा करें. कोई भी सफाई कर्मचारी आए, कोई भी स्वीपर क्लास आए, उसको पैसे दे के भेजिएगा. उसकी रिस्पेक्ट करने लग जाइएगा, अपने इन-लॉज की रिस्पेक्ट करने लग जाइएगा. राहु की कच्चा कोयला को जल प्रवाह कर सकते हैं आप. तो ये आप 43 डेज तक कच्चा कोयला आप जल प्रवाह कर सकते हैं. That is not related to weight, वो भी वेट के हिसाब से। अच्छा कच्चा कोयला मतलब कि वन टाइम, अगर वन टाइम करना अपने वेट का जितना कर दीजिए. क्या एंड देखिए कौन से घर में बैठा इरिस्पेक्टिव है. ऑफ एट अगर राहु में 9th में बैठा है तो नहीं, आप एट में 9 किलो रखा कर दीजिए, ठीक हाँ है. और यू कैन डू 90 ग्राम्स. वैसे भी एट कर में ट्वेल्थ और 12th में है सर। ओके में तो 1200 ग्राम कर दीजिए, ठीक है. क्योंकि कच्चा एंड कोयले के पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है. जो कच्चा कोयला होता है ना वो आहार बनता है मछलियों का. और जो आपके घरों में वाटर फिल्टर भी लगा हुआ है ना उसमें एक एलिमेंट होता है जिसको चारकोल बोलते हैं. सो इट इज अ वाटर प्यूरिफायर ऑल्सो, ठीक है. ठीक है तो वो भी आप कर सकते हैं. जस्ट वन थिंग, इफ राहु इज सिटिंग इन कंजंक्शन विद मून एंड जुपिटर इन 12th हाउस देन ऑल्सो वी कैन डू दिस उपाय। हाँ आपको अगर प्रॉब्लम्स वो दे रहा है, खर्चे बढ़ा रहा है, हाथी सामान खर्चे कर रहा है, मून आपके इमोशंस को प्रॉब्लम आ रही है, आपकी कैश लिक्विडिटी को प्रॉब्लम आ रही है, पल पल में आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो चंद्रमा की अलग रेमेडी है 12वें की. उसमें चंद्रमा के लिए आप आकाश का पानी लेंगे, ठीक है. वॉटर, रेन वॉटर इन अ वाइट यूटेंसिल इन अ ग्लास यूटेंसिल एंड कीप इट इन योर साउथ ईस्ट डायरेक्शन विच इज द 12th हाउस. तो ये आप कर ओके सर, सकते हैं. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। जी कल किन्हें नहीं चांस मिला आप, स्वाति जी उनसे पूछ लीजिए. हो गया सर, थैंक नेहा जी आप बताइए. यू कैन अनम्यूट. कैन यू, सर। किसको करना ये अनम्यूट? स्वाति जी आप इनको जरा अनम्यूट कर देंगे मैम को. सर नाम बताइएगा। सर
मैम का नाम बताइए। स्नेहा भाटिया जी हैं मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग सर जी। ओके जी सर, मुझे एक्चुअली पूछना था। बनाया हुआ है जी सर। हाँ मैं चलो देखता हूँ वो कैसे बनाएंगे आपको। आप स्पॉटलाइट कर दिया मैम। हेलो सर मैम, कुछ नेटवर्क इशू आई थिंक सो। ओके कोई बात नहीं मैम। एक मिनट मैम, जस्ट गिव मी वन मिनट, आई जस्ट अटेंड योर क्वेरी। मैंने बना दिया कंसल्टेंट की आवाज। जी मैम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन नाउ। जी 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 सर, बस मुझे एक्चुअली पूछना था, ये राहु 11th हाउस में अगर है बट साथ में कोई मतलब बैक प्लैनेट नहीं है, अगर मैं लॉर्ड की बात करूं तो वहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, 11वें घर में लाल किताब बोलती है राहु को, पिता को गोली मारे, ठीक है। तो 11वें साल में, पहले साल में इट इज हार्मफुल फॉर योर ग्रैंड फादर एंड फॉर योर फादर देयर। सो इफ दे आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स देन यू कैन डू द रेमेडी व्हाट एवर राहु की जो मैंने आपको बोली है, ठीक है सर। प्रॉब्लम्स मतलब हेल्थ रिलेटेड की, जैसे अगर आपके फादर की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, राहु वहां फादर या दादा का प्रॉब्लम दे रहा है आपको, ठीक है, प्रोस्पेरिटी में प्रॉब्लम आ रही है, लाभ में प्रॉब्लम आ रही है फादर के, क्योंकि वहां इट इज डेंजरस फॉर फादर, नॉट फॉर मनी मैटर्स एज सच। ओके, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब राहु वहां नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। सर अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही तो हम उसको फिर खराब, फिर क्यों आपने क्यों उसको क्यों क्या करनी है, ठीक चल रहा है राहु, आप तो अच्छा, उसी का इलाज करेंगे ना जो अगर प्रॉब्लम आ रही है मैम। जी राइट सर। सर प्रॉब्लम ही नहीं आ रही तो फिर क्यों करेंगे आप। हाँ जी राइट सर। सर मुझे एक बस लास्ट ये पूछना था कि 6th हाउस में भी चंद्रमा है शनि के साथ, मतलब मकर राशि है, 10 नंबर लिखा है, और देखो लाल किताब में क्या है, मैंने आपको पहले भी मैम बोला है जी सर, दैट वी हैव टू फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरीवन इन दिस ग्रुप, We have got just one lagan which starts from mesh. तो अगर छठे में चंद्रमा बैठा है, ठीक है, तो अब चंद्रमा की जैसे अभी मैंने रेमेडी आपको बता देता हूं, हियर आप किसी हॉस्पिटल या शमशान में जाके या किसी कब्रिस्तान में जाके वॉटर कूलर लगा दीजिए, या शमशान पे अगर कोई हैंडपंप लगता है आज तो वो लगा दीजिए, ठीक है, वो परमानेंट इलाज है। और चंद्रमा 6 वाले के हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। सर हम एनिमल्स को भी नहीं डाल सकते, जैसे आजकल गर्मी है ना, तो मैं एनिमल को पानी या दूध भी ऑफर करती हूँ, तो गलत है। जितना शमशान मानती है, पाताल मानती है लाल किताब छठे भाव को, अच्छा, तो अगर आप शमशान में, आप किसी हॉस्पिटल में जी, या आप किसी कब्रिस्तान में कोई वाटर कूलर डोनेट करते हैं, तो जितना वो कोई पानी वहां ग्रहण करेगा उतना चंद्रमा आपका आजाद होगा, लाल किताब ये बोलती है। सर मटके भी लगवा सकते हैं, जैसे मटके 2-3 मटके भी दान करके पानी कर दीजिए, बट डू इट एट दीज प्लेसेस ओनली। ओके
तो ही आपको आपका चंद्रमा आजाद होगा। ये वन टाइम ही है ना सर, बार बार तो नहीं करना ना। वन टाइम है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले अगर किसी को भी सर से कंसल्टेशन लेनी है या फर्दर कोर्सेज के लिए या किसी भी तरह की जानकारी है तो प्लीज आप श्वेता जी का नंबर नोट कर लीजिए। द नंबर इज 9623000074, 9623000074। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्लीज नोट डाउन, 9623000074। हमने चैट बॉक्स में भी नंबर डाल दिया है श्वेता जी का, फॉर एनी क्वेरी, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क हर, ही विल क्लियर योर डाउट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं राजेश जैन जी का। ओम नमः शिवाय राजेश जी, प्लीज अनम्यूट करें। हेलो जी राजेश जी। सर हम बोलिए राजेश। राधे राधे, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सर अगर किसी की कुंडली में, जैसे हर आदमी के जीवन में एक तो चीज होती है सर कर्ज का बढ़ना, तो ये कौन से भाव से कर्ज बढ़ता है सर, और क्या कारण होता है सर ये कर्ज का बढ़ना? देखो जो कर्जों का कारक लाल किताब में है वो मंगल है, ठीक है। अच्छा सर, लोन्स का जी सर, कर्जे छठे भाव से मिलते हैं लोन्स, तो अगर छठा छठा घर पीड़ित होगा तो आपकी पेमेंट्स बच जाएंगी, आप लोन्स ले लेंगे, बिकॉज द हाउस ऑफ पेमेंट वेयर यू रिसीव पेमेंट इज योर सिक्स हाउस, ठीक है। तो अगर और लाल किताब में जो पेमेंट का कारक है वो मंगल है, ठीक है। हाँ जी, तो अगर कहीं ना कहीं मंगल आपकी कुंडली में पीड़ित हुआ, मंगल बद हुआ, तो मंगल को ट्रीट करना पड़ेगा लोन्स। उसके लिए क्या उपाय देना चाहिए सर किसी को भी? अब वो प्लेसमेंट पे देखो, देखना पड़ेगा राजेश जी कि आपका मंगल कहाँ बैठा है, कहीं सूर्य शनि की राशि में तो नहीं बैठा है कि मंगल बद का निर्माण हो रहा हो, ठीक है। आप मंगल बद के लिए मैं आपको एक रेमेडी और दे देता हूँ, आप रेवड़ियां लीजिए, उसको 43 दिन तक रेवड़ी 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 होती है ना मीठी, वो जो लोड़ी पे पतासे नहीं है, रेवड़ी होती है गुड़ की, रेवड़ी ले लीजिए, चीनी वाली रेवड़ी ले लीजिए, दो छोटी छोटी जो रेवड़ी स्वीट्स आती हैं जो हम लोड़ी पे खाते हैं, और विंटर्स में भी काफी रेवड़ियां चलती हैं, गज्जक होती है, तिल वाले, तिल वाले छोटी छोटी रेवड़ियां होती है ना, गोलियां, तिल लगी होती है, तिल की गोली, रेवड़ी रेवड़ी, उनको 43 दिन तक हाँ जी जल प्रवाह करें, 43 दिन मंगल बद की एक रेमेडी है। ओके सर, तो सर ये कितनी क्या करनी है, ऐसा कुछ आइडिया? आपका मंगल कौन से घर में बैठा है सर? सिक्स भाव में ही है। आप 6 ग्राम कर सकते हैं, 60 ग्राम कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा। अच्छा अच्छा, 43 दिन तक रेगुलर सर। ऐसा है ना, आपका मंगल छठे में बैठा, मीठे का बहुत शौकीन है आपको, बहुत है डायबिटीज, ठीक है। प्रेडिक्शन इज वेरी, और आप जब भी आपके आपका मेल चाइल्ड है, बेटा है जी सर, उसकी जब कोई खुशियां करते हो, कोई बर्थडे की सेलिब्रेशन करते हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है कभी कभार? बिल्कुल आती है सर। तो ठीक है, ये मंगल बद है, आप उसके बर्थडे पे आज के बाद, हाँ जी, आप हलवाई की मिठाइयां बांटेंगे, आप पेस्ट्रीज और केक नहीं काटेंगे, ठीक है सर, मंगल बद है। अच्छा, वह मंगल को इनकरेज नहीं करना है। ओके सर, नहीं तो उड़ा देगा धंधे को, ब्लॉकेज कर देगा पेमेंट्स की, लोन जो बढ़ा देगा, जो आप मेरे को बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मतलब मिठाई वगैरह बांट सकते हैं सर? मिठाई हलवाई की, हाँ हलवाई की, वही सर, हलवाई की मिठाई मंगल है, वो मंगल नेक है। पेस्ट्रीज, केक्स, बेकरी आइटम्स आर ऑल मंगल बद। अच्छा अच्छा, ओ उसको नहीं बांटना, ठीक है सर। हलवाई की मतलब दुकान से मिठाई वगैरह बांट सकते हैं अपन? मंगल बैठिएगा और आप नमकीन खाइएगा, मीठा छोड़ दीजिए, ठीक है सर, नमकीन खाइएगा। आप तो जो चीज है वही छुड़ा रहे हो सर, मैं क्या करूँ, आपको प्यार भी है उसी चीज से होगा, मंगल छे वाले को, तो इसलिए तो मंगल बद लेके आए हो।
उसको छोड़ दो, मंगल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल रेमेडी जो लाल किताब बोलती है, नहीं तो कर्जे चढ़ा देगा, खुशियों में प्रॉब्लम ले आएगा, चाल में प्रॉब्लम ले आएगा, स्पाइन में प्रॉब्लम ले आएगा, केतु का घर है। इसका मेन इफेक्ट तब आएगा जब मंगल का अर्सा आएगा या केतु का अर्सा आएगा, या आपकी जब हिमचोत्री दशा में मंगल या केतु की दशा ये चलेंगी, या कभी कोई अंतर दशा आएगी तब प्रॉब्लम आएगी आपको राजेश जी ज्यादा। रेवड़े वगैरह 43 दिन तक करता रहूं सर मैं? जी बिल्कुल करें। और मिठाई बिल्कुल ही बंद कर दूं सर? कर दें तो आपके लिए अच्छा है, मैं तो आपको बता सकता हूं, बाकी करना ना करना हो तो आपके हाथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल कर रही है सर, हाथ से कर दी समझ लीजिए सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रमन जी प्लीज आप अनम्यूट करें। ओम नमः शिवाय जी। रमन जी, रमन सर प्लीज अनम्यूट। हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्कार जी। रमन जी ओम नमः शिवाय, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर। सर जो आपने पक्का घर बताए हैं, जैसे फोर्थ का जो मून पक्का घर बताया आपने, तो ये लगन कुंडली से देखना है या 1, 2, 3, 4 करके देखना है जी? नहीं नहीं, देखो जो ये लाल किताब है ना वो मेष लगन पे बेस्ड है। ठीक है जी। आपके अगर चौथे घर में कोई ग्रह बैठा है, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, आपकी लगन कौन सी पत्रिका है आपकी, कौन सा लगन है? सर मेरा 8 नंबर लगन है और मून 8 नंबर लगन में आपकी चौथे घर में राशि आती 11 नंबर। ठीक है, शनि की राशि आती है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अगर 11 नंबर भाव में कोई दुश्मन ग्रह बैठा है, हाँ जी, चंद्रमा का, मैंने दुश्मन कौन कौन से बोले चंद्रमा के, मैंने बताए ना आपको दुश्मन, बताइए मेरे को। हाँ जी, हाँ, चंद्रमा के सर, चंद्रमा के दुश्मन कौन कौन है? दुश्मन केतु है जी। ठीक है, चंद्रमा का दुश्मन केतु है। अगर केतु वहां बैठ जाएगा तो प्रॉब्लम देगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या देगा? आपकी बर्थ प्लेस पे आपको प्रॉब्लम रहेगी। आप का कोई केतु बैठा है क्या चौथे में आपका? नहीं नहीं सर, नहीं है। तो फिर ठीक है ना, घर चौथा। अगर कोई दुश्मन ग्रह बैठा हो चंद्रमा का चौथे में तो प्रॉब्लम है, ये कहती है लाल किताब। तो सर इसलिए हम अगर ये मान लें, अगर कोई 12 नंबर की कुंडली है और उसका जो मंगल है वो चौथे हाउस में है, तो उसको 1 नंबर के हिसाब से उसको तीसरे में मानेंगे हम पक्का उसका? भाई चौथे में बैठा है ना, 3 नंबर में बैठा है, पाइसिस लगन में 12 नंबर में, तो लाल किताब तो उसको चौथे में ही मानेगी ना मंगल को। बट कुछ प्लेसमेंट्स मैंने आपको बताया ना मंगल की खराब होती है ना, चौथा, छठा, आठवां, ये कुछ खराब प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है, मंगल की सर, सर जो 12 नंबर उसकी जड़ की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई दुश्मन ग्रह बैठता है तो जड़ प्लैनेट की खराब होती है। अगर कोई दुश्मन ग्रह नहीं बैठा है, मंगल 4 के लिए मैंने कहा गुस्सा करेगा, प्रॉब्लम देगा मदर को, उसका उपाय बताया ना मैंने गुस्से का? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल बताया जी, कि आपको चावल लेने हैं, थोड़ा पानी और दूध लेना है, और बरगद के पेड़ पे आपको उसको चढ़ाना है, और जो उसकी मिट्टी है रूट्स की उसको अपने माथे पे और शीश पे लगाना है, उन लोगों से ठीक हो जाएगा। और विनाश काल्य विपरीत बुद्धि, हाँ जी, मंगल 4 लाल किताब सिंपल बोलती है, उसका कोई और दुश्मन नहीं है मंगल 4 का, वो स्वयं ही दुश्मन है अपना, उसका गुस्सा ही उसका दुश्मन है, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ले बढ़िया हो जाएगा। तो सर इसका मतलब जो 12 नंबर कुंडली है उसका जैसे 4 में मंगल है, तो वो जो आपने पक्का घर, मैंने मंगल का तो पक्का घर तीसरा और आठवां लिखवाया ना, ये तो चंद्रमा का घर है, तो ये चंद्रमा का हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब चंद्रमा के पक्के घर में मार्स बैठा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ जी? बिल्कुल यही हुआ। अच्छा है, मित्रता है,
बट मंगल चार की प्लेसमेंट खराब भी होती है, जब मैं आपको आगे ग्रह या ये कोर्स में कराऊंगा तो कुछ प्लेसमेंट्स ग्रहों की खराब होती है, बट चंद्रमा की जड़ ठीक है। ठीक है, ओके, चंद्रमा की जड़ ठीक है, मंगल की प्लेसमेंट खराब है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, तो इससे मंगल का तीसरा घर और आठवां घर खराब होगा, क्योंकि उसकी मंगल की कहीं ना कहीं प्लेसमेंट खराब हो रही है, जहां अच्छे फल नहीं देता। ठीक ठीक, समझ गए। तो इसलिए एक ही फ्रेज है, विनाश काल्य विपरीत बुद्धि। बिल्कुल सर, ठीक है सर। तीसरा और आठवां जो, वो तीसरा माँ से दूर है और आठवां पिता से दूर है जी, तो वो अगर ऐसा हो जाए तो फिर ठीक है। ठीक है सर, ये समझ हो गया सर, लग धन्यवाद सर जी। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी आपका। सर क्वेश्चन लू एक और दो और? हाँ ले लीजिए। नेहास आईफोन प्लीज आप अनम्यूट करें। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी नेहा जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सर। सर मुझे ये पूछना था कि सर चलित में कैसे ले प्लैनेट को, मतलब अगर राहु सिक्स्थ में है और चलित में वो सेवंथ में आ रहा है, तो हम उसको कैसे माने, सेवंथ में माने या सिक्स्थ में माने, मतलब क्या प्रायोरिटी देंगे? और पेट्स रख सकते हैं अगर सिक्स्थ में है, मतलब सेवंथ में आ रहा है तो पेट्स रख सकते हैं जैसा आपने बताया? देखिए ऐसा है नेहा जी, हाँ जी, लाल किताब सिंपल बोलती है जी, अगर आपने पेट रखना भी है, हाँ जी, पेट केतु है जी, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, और जो पेट की टेल होती है ना, दैट टेल इज मर्करी, ओके ठीक है, तो आप वैसे तो अगर राहु सेवेंथ में आ रहा है, पहले तो मैं आपको भाव चलित का क्लियर कर देता हूं, जो प्लेसमेंट है ना दैट विल गिव यू मोर रिफाइंड रिजल्ट ऑफ द प्लैनेट, ठीक है सर, बिकॉज दैट प्लेसमेंट इन भाव चलित इज ऑलरेडी द एज पर द व्हाट यू कॉल दैट प्लेसेडियस, यू नो जो गोलाकार शेप होती है हमारी अर्थ की, उसकी वजह से जो प्लेसिडियस हाउस डिवीजन आती है उसकी तरह से ही हाउस भाव चलित कुंडली बनती है, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन नक्षत्र के घर 30 डिग्री का होता है, नक्षत्र 3.2 डिग्री का होता है, और सब लॉर्ड जो 13.2 का नक्षत्र होता है और उसके चार डिवीजन करके 3.2 में सब लॉर्ड आता है, so the entire KP kundli is based on that, so that is the exact placement of your planet। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो लगन के रिजल्ट नहीं देगा, planet लगन के भी दे सकता है, but ज़्यादातर रिजल्ट आपको वो भाव कुंडली के देगा, भाव चलित के देगा, भाव चलित के। Now if you're telling Rahu has moved from seventh from लगन to sixth house, right? Okay. तो यू कैन डोमेस्टिकेट अ डॉग, लाल किताब सेज ओनली इन सेवेंथ, ठीक है, बट आप जो कुत्ता भी डोमेस्टिकेट करें, पूंछ कटा कुत्ता वहां पे डोमेस्टिकेट करें आप, ओके ओके, कट द टेल एंड देन डोमेस्टिकेट दैट, ठीक है सर। एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि जो पक्के घर हैं अगर उन्हीं में वही प्लैनेट बैठ जाते हैं, जैसे शुक्र सेवेंथ में ही हो तो वो सपोर्ट करेगा, लाइक इट्स पॉजिटिव? यस यस, दे आर लाइक एग्जॉल्टेशंस, ठीक है, लाइक यू गॉट एग्जॉल्टेशंस एंड हियर अपने घर में ही आ जाएगा, हां जी हां जी, या एग्जॉल्टेशन राशि में बैठ जाएगा, हां जी, फॉर एग्जांपल लाइक आई टोल्ड के अगर शनि तुला लगन में आ जाता है, आप पराशरी में बोलेंगे कि एग्जॉल्टेशन में, जी बिल्कुल, लाल किताब बोलेगी कि शनि लगन में डेबिलिटेशन पालेगा, वो आपने बताया था, हाँ जी, ठीक है, सो दिस वे यू कैन सी, ठीक है सर। सो इफ अ प्लैनेट, लेट्स टॉक अबाउट मर्करी, ठीक है, मर्करी डेबिलिटेशन कहाँ होता है सर?
अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा एकदम, आप पूछ रहे थे। बारहवें घर में होता है। बारहवें घर में होता है, हाँ जी, बारह राशि में। तो बारहवें घर की राशि, अगर मैं धनु लगन की बात करूं, 9 नंबर का लगन, 12 नंबर का आएगा चौथे घर में, चौथे में आएगा सर। हाँ, आप बोलेंगी कि मरकरी डेबिलिटेशन में है, लाल किताब बोलेगी इट इज एन एक्सेलेंट मरकरी फॉर मनी। मरकरी चौथे में बैठ के इट इज एक्सेलेंट फॉर मनी, एक्सेलेंट, बट द ओनली प्रॉब्लम दैट मरकरी गिव्स देयर इज ओसीडी सिम्टम्स, वैमी बनाता है फोर्थ में। आदमी ने अभी घर का अपना ताला बंद करा, फिर देखने आ जाएगा कि भैया मैंने ताला खोला है या बंद करा, ही चेक इट अगेन, ही हैज वॉश्ड हिज हैंड्स, ही विल अगेन गो एंड वॉश हिज हैंड्स। तो वहां मर्करी इज एक्सेलेंट फॉर मनी। ओके, ठीक है, ठीक है, इसे आप को रिलेट कर सकते हैं। वहां डब्ल्यू ले रहे हैं बट आई एम टेलिंग यू फॉर मनी मैटर इट इज वेरी गुड, मर्करी फोर्थ में। हाँ जी, तो ऐसे आप कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू नेहा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, सर का एक चैनल है यूट्यूब का, वहां पर आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक चीजें देंगे, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। चैनल का लिंक स्वाति जी अभी ग्रुप में डाल देंगी, या स्वाति जी प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए और ग्रुप में शेयर कर दीजिए। स्वाति जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, यू आर को-होस्ट मैम। स्वाति जी ज्योतिष वंदना इस स्पिरिचुअल जर्नी का लिंक शेयर कर दूंगी, आप चैनल पे जाइए सब्सक्राइब करिए, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी सर की जी। आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं जी। लिंक डाल दीजिए प्लीज, अभी डाल दीजिए, आप जिस भी ग्रुप से हैं वहां पर आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू। सुशील जी प्लीज। सर नमस्ते सर, नमस्ते भाई सर, नमस्ते सर। मेरे एक प्रश्न है, जैसे लाल किताब में आपने काल पढ़ा रहे थे वर्ष फल, तो जन्म पत्र का उपाय करे या वर्ष फल का उपाय करे? देखिए एक ना आपका नेटल चार्ट, वो आपकी फितरत है, ठीक है, फितरत समझते हैं, फितरत इज लाइक इट इज एन इनबॉर्न थिंग इन यू, ठीक है। एक होता है कि कोई ग्रह बहुत अच्छा है बट उस वर्ष फल में आके खराब हो जाता है, तो इट डिपेंड व्हाट आर यू ट्रीटिंग। आपको इस साल में प्रॉब्लम क्या आने वाली है वो आपको वर्ष फल बताएगा कि इस साल में मेरे को कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आने वाली है, मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम आने वाली है, मेरी बेटी को कुछ होने वाला है, मेरा कोई एक्सीडेंट होने वाला है। शनि 8 में बैठ के 8 एक्सीडेंट कराता है वर्चुअल में आता है, तो पीछे से गाड़ी ठुकती है व्यक्ति की, ठीक है। सो इट डिपेंड्स के व्हाट यू वांट टू ट्रीट। अगर कोई प्लैनेट आपका वर्ष फल में खराब हो रहा है, आपको दिख रहा है कि उसका पक्का घर में, अभी ये उसके पक्के घर में आ गया, दुश्मन के घर में आ गया, तो उसकी जड़ खराब करेगा इस साल, तो उस प्लैनेट की ट्रीटमेंट कर देंगे ताकि वो जड़ खराब ना हो। बाकी अगर आप नेटल चार्ट में अपनी ट्रीटमेंट कर लेते हो, सो यू ऑलरेडी डन 50% ऑफ योर वर्क, यू गेट माई पॉइंट। बाकी 50% इज ऑन द वर्ष फल थिंग, वो हर साल प्लैनेट्स मूव होंगे एंड दे विल चेंज। अच्छा, तो एक साल के लिए आएगा वर्ष फल? जी, एक साल के लिए आता है वर्ष फल। अच्छा, उसका बाद अगली साल फिर से बदल जाएगा प्लैनेट? फिर बदल जाएगा कोई नहीं, बिकॉज प्लैनेट्स मूव, उसके हिसाब से आप वर्ष फल, लाल किताब आपको एक साल के बारे में बताती है, आगे के 10 साल आप प्लानिंग कर सकते हो कि इसमें टक्करें लगती हैं, हर ग्रह से 8वां ग्रह उसको टक्कर मारता है, उल्टी दृष्टि होती है, बुनियाद होती है। तो सर, आप लोग कहते हैं सर जब दो प्लेनेट मिल जाते हैं तो तीसरी प्लेनेट का जन्म होता है,
जी मुसाई ग्रह जो होते हैं जैसे सूर्य और जुपिटर चंद्रमा का निर्माण करते हैं। तो उसका मतलब है उसी का कुंडली में दो चंद्रमा हो गया? नहीं नहीं दो नहीं हो गए, चंद्रमा कैश लिक्विडिटी है, जिस घर में बैठेंगे उससे आपकी कैश लिक्विडिटी जोड़ जाएगी। ओके, जब भी जुपिटर और सूर्य इकट्ठे होंगे जिस भी भाव में, चंद्रमा किस किस चीज का कारक है? एजुकेशन का है, माँ का है, मौसी का है, कैश लिक्विडिटी का है, ठीक है, आपके इमोशंस का है, आपके डिप्रेशंस का कारक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। तो वो मौसमी से भी अगर चंद्रमा आ जाते हैं तो कैश फ्लो, माँ का हेल्थ, उस घर से आपको कैश फ्लो मिल जाएगा। ओके, उस घर से जहां वो योग बन रहा, गेट इट। तो वो भी सर एक बार बता दीजिएगा, काल अगर टाइम मिल जाता है मौसमी वाला। तो नहीं, वो कल आपको थोड़ी दृष्टि वगैरह कराएंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, वो तो बेसिकली सारे आपके कोर्स का पार्ट रहेगा अगर आप ज्वाइन करेंगे। इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक, लाइक मकान कुंडली, सो मेनी एंड सो मेनी थिंग्स, बुध का भेद, बहुत कुछ है लाल किताब में, अभी तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्लेवर। ओके सर, कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सर थैंक यू सर, नमस्ते भाई सर। थैंक यू सुशील जी। सर कल लेंगे क्वेश्चन, आज ही लेंगे सर। ले लीजिए, और किसके क्वेश्चन हैं, कोई है? ऐसे 8 एंट्रेस हैं ऐसे तो। हाँ ले लीजिए, जितने हो जाते हैं कर देते हैं। जी जी जी, फिर भी कल भी रहेंगे। केतन शाह जी प्लीज, एंट्रेस किया है आपने, प्लीज अनम्यूट करें। या थैंक यू सर। लाल किताब पॉसिबल, यू कैन ओपन योर कैमरा इफ पॉसिबल। या इट इज डार्क राइट, आई कैन ओपन इट। ओके, नो इशू, नो इशू। So, sir, Lal Kitab, does it make a distinction between the Shukla Paksh moon and Krishna Paksh moon? बिल्कुल होता है, उसमें वो तो चंद्रमा की मूवमेंट पे होता ही है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष वो होता है, बट हियर इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन केतन जी, ऑन द पक्का घर, ऑन द प्लेसमेंट्स, on the karya tattvas and the precaution, what lal kitab tells you, those are the remedies, aur unka arsa aur 35 salana chakra, so these are the main contents, right? So if we do this, then we will make our life more simple, right? Like I told you, it is the art of how you live in that year. आपको पैसा आएगा, आपकी सिस्टर को प्रॉब्लम आएगी, आपके फादर की हेल्थ खराब होगी, आपका एक्सीडेंट होगा, वो सारी 108 प्रिडिक्शंस उस कोर्स में मैं दूंगा। 9 प्लैनेट्स इनटू 12 हाउसेस, 108 प्रिडिक्शंस, यू कैन गो ब्लाइंडली टेल एनीवन, राइट, एंड जस्ट गिव अ प्रिडिक्शन, विच अदर थ्योरीज डू गिव बट देल टेक टाइम, राइट। लाइक आपने जेमिनी करा, वो एक निराली विद्या थी, सो विच गिव्स अस टाइम। सो दिस लाल किताब इज अ साइंटिफिक बेस्ड मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग थिंग्स, इसके पीछे कोई ना तत्व है, कोई आधार है साइंटिफिक। ऐसे ही नहीं लिखा किताब में कि दूध पीना रात को मनाए, कोई तो रीजन होगा, राइट? सो दैट इज द थिंग। ओके सर, ये वीडियो आप रिकॉर्डिंग आप ईमेल करेंगे टू द ग्रुप एज लाइक अदर्स? हाँ, उसको कंपाइल करके आई हैव टोल्ड देम वंस दिस कोर्स गेट्स ओवर वी विल पुट इट ऑन द चैनल और वी विल मेल इट टू देम। अगर इनकी सबकी आईडीज भेज देते हैं ग्रुप में, सो वी कैन मेल इट टू देम आल्सो इंडिविजुअली। ओके ओके, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर
आप एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ग्रुप में और पर्सनल ईमेल आईडी उसके साथ अटैच करके भेज दीजिए, आपको आपकी पर्सनल ईमेल आईडी पे ये मिल जाएगा। ये पब्लिक नहीं रहेगा, बहुत प्रीमियम कंटेंट होता है ये, जो प्योर क्लास चल रही है, ये कोई वेबिनार नहीं है। तो प्लीज आप अपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर एक स्क्रीनशॉट के साथ अपनी ईमेल आईडी अटैच कर लीजिए, तो हम आपको पर्सनली भेज देंगे, सिर्फ आप देख पाएंगे उसको। ठीक है सर, आई थिंक राइट नाउ ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेजेस, तो आप उसको वो आप स्वाति जी के नंबर पे भेज सकते हैं, स्वाति जी के नंबर पर्सनल आएगा, ईमेल आईडी अटैच करके सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है सर, तो वो आपकी ईमेल आईडी अटैच कर दी जाएगी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं राजबाला कटारिया जी। आई थिंक मीनू जी का कल नहीं हुआ, राज जी का कल शायद लिया था हमने, शायद कल लिया था। नीरू जी का ले लेते हैं जी, है ना। नीरू जी प्लीज अनम्यूट कीजिए जी। हेलो, यस यस मैम, या हाय, हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हां जी सर, गुड सर, ऑल गुड सर, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, इट्स थैंक यू नीरू जी, थैंक यू, हाउ आर यू, योर गुड sir, all good, it's just that quarter, I mean year closing, and this April started, so had been a little busy, but otherwise it's all good sir, things are fine. Got your targets on time? Yes sir, this year I did my target, everything was fine. Good, badhiya hai aapka, theek hai, thank you sir. Sir, सर मेरे को बस एक छोटा सा डाउट था, आपने वो जो बताया था कैश लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम है, उसमें यू हैड मेंशन्ड नॉर्थ वेस्टर्न करना है, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में वी हैव टू पुट मून का थिंग सर, आई थिंक आई एम सॉरी आई मिस्ड दैट, नॉर्थ मतलब नॉर्थ का क्या लिखना है आपने, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में वी हैव टू पुट मून की आइटम सर, इफ यू वांट टू इंप्रूव कैश लिक्विडिटी। हां आपको चौथा घर है ना आपका, भाई कैश लिक्विडिटी का कारक कौन है, मून, मून है, मून का पक्का घर चौथे घर का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। ओके, वैसे भी वास्तु का जो पैसे का स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट ही है। एंड सर कल आपने वो कुछ कुंडली में वेदा दोष कुछ बताया था, जब सन सैटर्न या मर्करी कुछ साथ में है, मर्करी अगर 10th हाउस में कुछ है, यू मेंशन समथिंग लाइक दैट सर यस्टरडे, आई वांटेड टू आस्क ऑन दैट, आई यूज द वर्ड अंधा टेवा, ब्लाइंड कुंडली, सॉरी सर, यस सर, यस सर, सो इन दैट इज अ ब्लाइंड टेवा इज जब 10वें भाव में शनि के दुश्मन ग्रह बैठेंगे, शनि के दुश्मन ग्रह कौन कौन है, सर सन है, मार्स है, मून है, अगर ये बैठेंगे तो कुंडली अंधा टेवा कहलाएगी, नंबर वन। ओके सर, अगर कोई दुश्मन ग्रह दो बैठ जाएंगे, केतु मंगल बैठ जाएंगे, बुध मंगल बैठ जाएगा, ठीक है, यस सर, शुक्र चंद्रमा बैठ जाएंगे, जुपिटर बुध बैठ जाएंगे, जुपिटर राहु बैठ जाएगा, क्योंकि जुपिटर राहु को दुश्मन मानता है ना, अगर कोई भी ऐसा कोई कॉम्बो हो जिसमें दो एनिमी प्लैनेट्स 10वें भाव में बैठ जाएंगे तो अंधा टेवा कहलाता है। ओके, उसकी रेमेडी बोल देता हूं, कभी भी ऐसा अगर हो तो आप ब्लाइंड स्कूल में जाके, अंधा जो ब्लाइंड स्कूल होता है उसमें जाके, वो आपकी श्रद्धा है, यू डू इट वंस इन अ ईयर, यू डू इट क्वार्टरली, You do it half yearly. आपको 10 अंधों को खाना खिलाना है, अपने हाथ से सर्व करना है, जो खाना आप खाएंगी वो खिलाएंगी, ठीक है। अगर 11 भी हो गए तो 11वें को ये नहीं कहना है कि भाई तेरे को नहीं दे रहा हूं। So you do this, and the second remedy is
आपको जो भी काम करना है ना वहां स्थिरता से काम करना है. यू हैव टू बी लाइक, आपने पहाड़ देखा है, पहाड़ इज स्थिर, इट्स सॉलिड. लाइक इफ यू गॉट 3-4 ऑफिसेस, यू गोइंग टू स्पेंड वन डे इन वन ऑफिस. आपको स्थिरता चाहिए. अगर स्थिरता नहीं होगी तो करियर में मूवेबिलिटी रहेगी, स्थिरता नहीं आएगी. शनि वहां शनि का पक्का घर है, शनि इज स्लो मूविंग. अब दिन में चक्कर ही भ्रमण लगाते रहोगे तो करियर नहीं चलने का. तो जब तक ये आप अंदर टेवे की रेमेडी नहीं करेंगे तब तक करियर में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर, दैट्स ऑल. ओके, ओम नमः शिवाय. नीरू जी नमस्ते सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी सर. दीपक जी, आदेश आदेश करें सर. और क्वेश्चन लो जी, ले लीजिए जितनों के भी हैं, एक दो खत्म कर देते हैं आज जी, जी. किसी का कोई रह नहीं जाए. राजकुमार जी, राजकुमार जी जी, ओम नमः शिवाय सर. जी ओम नमः शिवाय राजकुमार जी. हाँ वही बहुत बढ़िया सर, आप सुने बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है सर क्लास में. I could see your, you know, writing and showing your interest. नहीं वो मैं पूछ रहा था कुछ सवाल, तो सबसे पहले आप ही के जवाब आते थे. अरे सर, आपकी बढ़िया काम कर रहा है और केतु भी बढ़िया काम कर रहा है, लिखाई अच्छी कर रहे हैं, आपकी बढ़िया कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद है सर. सब जी नहीं, मैं कौन होता हूँ जी. राजकुमार जी सर, अच्छा एक बात तो मैं ये पूछ रहा था भाई, जैसे जो अहम ग्रहों की ये पोजिशन देखनी है तो ये नेटल चार्ट में देखनी है या वर्ष फल में देखनी है, एक तो ये जी. और वर्षफल जो बनाना है तो वर्षफल जो हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर से बनता है वो हो या इसका लाल किताब का कोई अलग होता है. देखिए ये जो पोजीशंस आप देखेंगे, आप नेटल चार्ट से अपने देखेंगे जो आपकी लगन कुंडली है नंबर वन. बट आप इसमें भाव चलित का भी, जैसे मैं अभी इस कोर्स में आगे पूरे प्लैनेट्स को डिस्क्राइब करूंगा तो इफेक्ट प्लेसमेंट के भी देता है ज्यादा वो प्लैनेट. बृहस्पति की अगर आप देख रहे हो कि प्लैनेट बृहस्पति पहले घर में बैठा है और भाग चलित में वो 12वें में शिफ्ट हो गया है तो वो 12वें के भी फल दे सकता है. ठीक है, ज्यादातर वो 12वें के देगा, पहले के कम देगा. सेकेंडली यू हैव टू सी दिस फ्रॉम द नेटल चार्ट. जो भी आपका लगन है, जैसे प्लैनेट है, एक नंबर घर को आप पहला घर मान लीजिए, दूसरा घर, तीसरा घर, प्लैनेट्स वैसे मान लीजिए उस घर में बैठे हैं. योर सेकंड क्वेश्चन, वर्षफल लाल किताब का अलग होता है क्योंकि इस वर्षफल में सूर्य 12वें भाव में और शुक्र 6ठे भाव में भी बैठ सकता है. 12 के एक्सेस में भी बैठ सकते हैं. बट की आपकी नेटल चार्ट में, पराशरी में वो इकट्ठे ही होंगे, एक आध घड़ी आगे पीछे होंगे, चाहे केपी में भी हो. बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ वो चेंज हो सकते हैं. तो लाल किताब का एक अलग वर्षफल आता है, वो एक उनका वो है, टेबल है, उसमें सब लिखा होता है कि सूर्य पहले साल में इस घर में रहेगा. अगर आपका चौथे घर में प्लेस है तो द सेकेंड ईयर इट विल कम इन दिस हाउस, द थर्ड ईयर इज गोइंग टू कम इन दिस हाउस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, ठीक है. तो देयर इज अ प्रॉपर चार्ट. हाँ जी. अच्छा एक क्वेश्चन और था, कल आपने कहा था कि मंगल तीसरे घर में हो तो वो बुध को खराब कर देता है जी. तो थर्ड हाउस तो बुध का अपना घर है, वैसे तो मिथुन राशि होगी थर्ड हाउस में. देखो ऐसा है कि मंगल और बुध की कैसी एनिमिटी है आज पढ़ाई. हाँ जी एनिमिटी है, राशि बुध की है. ठीक है, तो बुध के कार्य तत्वों को हानि पहुंचाएगा मंगल. ठीक है,
जो मंगल है वो बकरियों में पला शेर है, वहां उसको हटाना पड़ता है आपको, जो एटीट्यूड देगा वो खाओ पियो ऐश करो मंगल तीन। तो वो छोटे बहन भाइयों का घर है, ठीक है, और वो बुध की राशि है, तो हानि किसको मचाएगा, बहन को, ठीक, छोटे सिबलिंग का घर है ना वो, हाँ जी हाँ जी, तो बहन को हानि पहुंचाएगा, ठीक है। वहां मंगल अच्छा है, वहां तो पक्का घर है मंगल का, अगर मंगल वहां बैठेगा तो मंगल हो जाएगा, बिल्कुल मंगल का पक्का घर। राशि एक तरह से बुध की है, बुध और मंगल में शत्रुता है, मंगल बुध को दुश्मन मानता है, शत्रु मानता, बुध नहीं मानता है, बुध नहीं मानता, तो उसके जो उस घर के कार्य तत्व है ना बुध के, जो भी चीजें हैं उनको वो खराब करेगा, क्योंकि तो उसकी चलेगी ना दादागिरी तो मंगल की चलेगी, बुध की थोड़ी चलेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसको पक्का घर है वो। सलाम को किसको ठोकना है, मंगल को, मंगल खुद ही बैठा है तो सलाम क्या करेगा, मतलब खुद ही अपने आपको बुध बाकी को तो नष्ट करेगा ना, ये कहने का मतलब। अच्छा, अभी सर राजेश सर एक क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, वो कर्जा बढ़ने वाला जी, तो हाँ जी, तो कर्जा बढ़ रहा है तो इसका मतलब कोई, और कर्जा बढ़ रहा है और सही समय पे रिपेमेंट भी हो रही है तो फिर वो अच्छा है या बुरा है? देखो कर्जा बढ़ रहा है, रिपेमेंट हो रही है तो बढ़िया है, मंगल बढ़िया है, मंगल ठीक है, ठीक है, लोन भी दिला रहा है, उतार भी रहा है, ठीक है, ठीक, सो इट इज गुड ना। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच जी, ओम नमः शिवाय, थैंक यू जी जी। और कोई है, एनीवन एल्स? चार एड्रेस हैं सर जी, बताइए। डॉक्टर साहब हैं, मीनू जी हैं, लवली खुराना जी हैं और सत्येंद्र सिंह जी। आई थिंक हु डिडंट गेट, लवली जी, शी डिडंट गेट अ चांस, आप इनसे बोल दीजिए फिर मीनू जी से। जी लवली जी, हेलो, ओम नमः शिवाय सर जी, ओम नमः शिवाय जी। लवली सर, सर घर के चार मेंबर हैं और तीन मेंबर का जो चंद्रमा है वो 12वें घर में है, तो या ये कोई दोष होता है क्या? नहीं देखो, चंद्रमा छठे में हो, आठवें में हो, बारहवें में हो, ठीक है, चंद्रमा बारहवें में ना क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। लाल किताब बोलती है, एक फ्रेज यूज करती है, पल पल में बदलती तबीयत जी। जब आपकी कैश लिक्विडिटी अच्छी होगी ना, बहुत बातें होंगी आपके घर में, बहुत खुशी होंगी। जब कैश लिक्विडिटी आपकी कम हो जाएगी तो घर में बातचीत ही बंद हो जाएगी, अगर तीन व्यक्ति चंद्रमा बारह लेके चल रहे, ठीक है। तो इसलिए चंद्रमा बारह के लिए वो जल है, बारहवां घर आकाश है, ठीक है, तो आपको अगर प्रॉब्लम दिख रही है अपनी कैश लिक्विडिटी में, मूड स्विंग्स ज्यादा हो रहे हैं घर में, हाँ जी, ठीक है, इमोशंस, डिप्रेशन जैसा माहौल हो रहा है, बातचीत कम हो रही है घर में, एजुकेशन का भी कारक है चंद्रमा, ठीक है, मदर्स की हेल्थ खराब हो रही है जी, मदर का भी कारक है, मौसी का भी कारक है, तो जो कार्य तत्व है चंद्रमा का, लाइक कोई डिप्रेशन में जा रहा है, ठीक है, इफ दोज थिंग्स आर हैपनिंग जी, देन द रेमेडी ऑफ मून आई हैव सजेस्टेड यू, यू कैन डू दैट रेमेडी ऑफ मून। सर वर्ष फल में भी चंद्रमा बारहवें में गया, पर मदर के हेल्थ एक साल के आया, तो उस साल आप आकाश का पानी लेके यू कैन जी कीप इट इन योर बेडरूम सर। और एक पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये कौन से घर से देखते हैं? पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, दूसरा घर कुटुंब का है, आठवां घर इनहेरिटेंस का है जी। जब भी आठवां घर चौथे घर से संबंध बनाएगा, जैसे मैं केपी की भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है, लाल किताब में जो लैंड का कारक है
वो मंगल है, मंगल है, मकान का कारक शनि है जी, उनकी स्थिति देखनी पड़ेगी कि वो कनेक्शन चौथे भाव से बना रहे हैं अगर प्रॉपर्टी संदर्भ बात कर रहे हैं आप, या कोई और वेल्थ आनी है उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, सो वी विल हैव टू सी देयर प्लेसमेंट्स दैट वे, ठीक है। बट प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस इज व्हेन योर एट्थ हाउस इज कनेक्टेड विद द फोर्थ हाउस बेसिकली, बट इन लाल किताब आपको प्रॉपर्टी तब मिलेगी अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, जब शनि सप्तम भाव में आएगा तब आपको प्रॉपर्टी दिलवा देगा कंस्ट्रक्टेड मकान। शनि आठवें का भी कारक है, आठवां इनहेरिटेंस है, शनि जब एग्जॉल्टेशन सप्तम में आएगा तब आपको प्रॉपर्टी का योग बना सकता है, मंगल जब दसम भाव में आएगा तो अगर भूमि संबंधित कोई प्रॉपर्टी है तो योग बन सकता है आपको प्रॉपर्टी मिलने का, क्योंकि वो आठवें का भी कारक है। सर अगर सपोज कीजिए इसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा एट्थ और फोर्थ का, तो जैसे आठ का तो बन जाएगा ना, मैं क्या बता रहा हूँ आपको जी, लवली जी आई एम टेलिंग यू हु आर दी कारकास फॉर हु, किनके पक्के घर हैं आठवां घर किन किन का पक्का घर है, अभी मैंने पक्के घर कराए ना कल आपको, जी कल मैंने थोड़ी सा स्टार्टिंग की क्लास नहीं कर पाई। शनि है, शनि का पक्का घर है और मंगल का पक्का घर है जी। मैंने बताया शनि मकान का कारक है जी, मैंने कहा मंगल भूमि का कारक है जी, ओके जी। मैंने आपको बोला जब शनि सप्तम भाव में आएगा आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी दिला देगा, ठीक है बोला ये मैंने जी। तो जब आपके वर्षफल में शनि सप्तम में आएगा, आठवें का ऑलरेडी उसका पक्का घर है जी। आपको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस मिलने का योग बन जाएगा। मंगल दसम में आएगा जी। आपको भूमि लैंड नॉट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, क्योंकि वो आठवें का इनहेरिटेंस की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, क्योंकि एट हाउसेज ऑफ इनहेरिटेंस ऑल्सो, ठीक है। तो जब मंगल टेंथ हाउस में आएगा वो एग्जॉल्टेशन में होता है मंगल, आठवें का वो पक्का घर है उसका, चौथे को देख रहा है विच इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, यू विल गेट अ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू जी। मीनू जी प्लीज अनम्यूट कर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। जी मैम, गुड इवनिंग, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सर। सर एक्चुअली मेरे को एक तो ये पूछना है कि आपका कोर्स कितना टाइम का होगा? कोर्स मैम विल बी ऑफ 3 मंथ्स, 25 सेशंस। तो क्लासेस कौन ऑन वीकेंड्स? ऑन वीकेंड्स में। और क्लासेस आप लेंगे? अगर आप बोलेंगे तो मैं ही लेऊंगा। नहीं सर, आप बोलेंगे क्या कोई और ले ले तो फिर किसी और को बोल दूंगा। नहीं नहीं सर, मैं तो इसीलिए पूछ रही हूँ कि आप अच्छा समझा रहे हैं, एक्सप्लेन अच्छा कर रहे हैं, इसलिए पूछ रही हूँ जी मैम। क्लासेस कौन लेंगे? ठीक है, तो सेकंड ये है मेरा क्वेश्चन जो है वो यही है कि जैसे थर्ड हाउस में मून शनि और केतु, ये क्या रिजल्ट देंगे? मून हाँ जी, चंद्र शनि और केतु। केतु मैंने शनि के लिए बोला नगद धन की कमी देता है शनि तीसरे में, ठीक है। चंद्रमा तीसरे में अच्छी प्लेसमेंट है आपको, चंद्रमा थर्ड हाउस में मैंने कहा कि अवार्ड्स दिलवाता है, मैंने एक और प्रेडिक्शन दी थी चंद्रमा तीन वाले की कि जो मदर होती हैं वो फादर का ज्यादातर रोल प्ले करती हैं, ठीक है। केतु तीन के लिए वो मंगल का घर है, ठीक है जी, पक्का घर मंगल का है
हाँ जी केतु तीसरे में बैठ के मंगल की जड़ खराब करता है, तो जो मंगल के कार्य तत्व है ना सिग्निफिकेशन, उसमें प्रॉब्लम लाता है केतु, तो मतलब कुछ काम नहीं कर सकता, मतलब ऐसे अपना जो जितना दिखाना चाहिए वो चीज नहीं दिखा सकता ना, जिसका ये होगा मतलब ये कि जो जैसे किसी लड़के की जन्म पत्री है, थर्ड घर उसी का होता है ना कि पराक्रम करने का काम, काम करने का मंगल का, मतलब हिम्मत का है ना, मेहनत का है, कॉन्फिडेंस लो कर देगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा ना। हाँ जी जी कॉन्फिडेंस लो कर देगा, वहाँ केतु की हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। डॉग फीडिंग करिए, ठीक है, स्ट्रीट डॉग्स को ना, हाँ स्ट्रीट डॉग्स को करिए, उनको वो फीडिंग करिए। कान में बाली पहनिए या गोल्ड धारण करें, ठीक है, कान में। हाँ जी हाँ जी ठीक है। और अपने जो भी वर्क स्टेशन है उनका, वेयर एवर ही स्टडीज और इफ इज इनटू ऑफिस, वहां झंडा फ्लैग लगाएं केतु ध्वज है। अच्छा जी, फ्लैग, इंडिया फ्लैग, इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग, व्हाटएवर फ्लैग, एनी फ्लैग, ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं देगा। अभी तो सिचुएशन ऐसी है ना कि बिल्कुल काम करने का मन ही नहीं करता, लो है कॉन्फिडेंस, बिल्कुल लो है, कर सकते हैं पर करता नहीं है। उनको बोलो बाल नहीं कटवाएंगे, बाल लंबे रखेंगे, दाढ़ी रख रहे हैं तो दाढ़ी को ट्रिमिंग नहीं करानी, क्योंकि केतु एक फकीर है, जितना वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस में रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा, वो केतु है, जितना सिंपल रहेंगे आपके भीतर की सिंपलिसिटी केतु है, ठीक है। और जैसे सिक्स्थ में एक बस लास्ट ही है, आप वैसे भी बहुत टाइम हो गया, सिक्स्थ नहीं नाइन्थ हाउस में जैसे राहु और मरकरी हैं, वैदिक के हिसाब से तो ये गलत, मतलब ठीक नहीं माने जाते ना वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। देखो अगर राहु मरकरी नाइन्थ हाउस में है, सबसे पहले नाक छेदन करवा दो, लेकिन लड़का हो तो नाक नहीं छिदवाया जा सकता, मैंने अपना छिदवाया हुआ है मैम। अच्छा जी, 96 डेज के लिए अंदर वाली नोस्ट्रल में जी आप तार डाल दीजिए, सिल्वर वायर, पता भी नहीं चलेगी। अच्छा जी, उसके बाद जल परवाह कर दीजिए और लोहे का छल्ला लीजिए। नहीं, मुझे एक सेकंड, मुझे समझ नहीं आया कि पहले नाक छिदवा के फिर उस वायर को निकाल के जल प्रवाह कर देते हैं। 96 डेज, एक साल रखना चाहते हैं, अच्छा, एक साल रख के, ठीक है, दो साल तक पहनना चाहते हैं, सिल्वर है कोई प्रॉब्लम तो देगी नहीं, ठीक है ठीक है, वो कर लें, नहीं तो चार खानों का योग बनता है, दवा खाना, पागल खाना, वीराना और जेल खाना। ये नहीं समझ आया मुझे चार खानों का योग मतलब, यानी कि या तो अस्पताल में भर्ती करा देगा जब अच्छा इनका अरसा आएगा, अच्छा जी, या जेल के दर्शन करा देगा, या बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, बुद्ध बुद्धि है, राहु उसके विचार है, करंट है, बुद्धि कौन हरण करता है, राहु, राहु राहु ही करता है, हाँ, सुसाइड तक करा देगा, ठीक है, क्योंकि भी जब खराब होती है ना, हाँ जी, मुंबई में बैठ के भाग्य किस्मत बुध ने वो ताला मार दिया, बृहस्पति खराब हो जाएगा, या विदेश लैंड में चला जाए, या कोई डॉक्टर बन जाए कि बारहवां घर इस्तेमाल हो जाए। बारहवें घर में गुरु हैं, गुरु हैं, तो मतलब अगर बाहर चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है, बाहर चले जाएं, योग बन गया, खत्म हो गया, ले जाएगा बाहर उनको, तब ये चीजें करवा नहीं, तब ये नाक छिदवाने की जरूरत है अगर बाहर चले जाएं तो। मैडम अगर जा सक छिदवाएंगे तो फटाफट चले जाएंगे ना। अच्छा जी ठीक है, और ये अपनी छोटी उंगली में लोहे का छल्ला पहन लीजिए, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जिस हाथ से काम करते हैं, राइट हैंड से, ठीक है, राइट हैंड से, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ओके मैम, थैंक यू। लास्ट हैंड रेस है सर सत्येंद्र सिंह जी का। जी सत्येंद्र जी, नमस्कार सर जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार जी सर,
लेट हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपका जाते थे कल से वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले ब्रीफ में क्वेरी लेता हूँ, डालता हूँ। पहले घर में चंद्रमंगल, तीसरे में राहु, और बारहवें में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, और दसवें बृहस्पति, और नौवें केतु। जी, तो और किसी की नहीं है, अपनी ही पारिवारिक कुंडली है। तो इसमें समस्या है कि पैसे बहुत फंसे हुए हैं और लिक्विड मनी बिल्कुल नहीं है, कैश फ्लो खत्म हो चुका है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और मनी ब्लॉक हुआ पड़ा है, जहां भी पैसा गया वापिस नहीं आया। मल्टीप्लाई तो क्या होना, वो देखो कैश लिक्विडिटी का सवाल है। जी, कैश लिक्विडिटी का कारक कौन है? मून चंद्रमा कहाँ बैठा है? लगन में, फर्स्ट हाउस। किसके साथ बैठा है? मंगल के साथ। अच्छी प्लेसमेंट है जी। मैंने एक लाइन यूज करी थी, जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा जी, पढ़ाई करते रहो पैसा आ जाएगा। ओके, कैश लिक्विडिटी ठीक है, ठीक है। और सेकंड जो ब्लॉक, जो फाइनेंस ब्लॉक हुआ हुआ है, ब्लॉकेज का कारक कौन है? राहु। राहु है, मंगल भी है, डेट्स का, डेट्स का कारक ठीक है, मंगल है बिल्कुल है। कहाँ बैठा मंगल? मंगल लगन में, फर्स्ट हाउस में, पहले भाव में। एक बात बताइए, जो आप बात बोलते हैं वो सत्य हो जाती है? हो ही जाती, देर से हो जाती है। मंगल लगन में लाल किताब एक फ्रेज यूज करती है, काली जबान, ठीक है, जो भी आप बोलोगे ना देर सवेर सत्य हो जाएगा वो जी। मंगल एक, तो मंगल एक वाले को आपका किस चीज का काम है? फार्मा, मेडिकल। आपकी एज क्या है? 45 राउंड। आपने जो राइज करा जीवन में 28 साल के बाद करा? बिल्कुल। यहां आप अपने थोड़े गुस्से को और अपनी जबान पे ना थोड़ा कंट्रोल रखिए, जो आपको डेट्स भी आपके ब्लॉक हो रहे हैं ना आपकी जबान की वजह से, ठीक है। यू शुड नॉट बी हार्श, यू शुड नॉट फॉलो ट्रेड्स ऑफ मंगल हियर, क्रोध, ठीक है जी। आपका वैसे ही इतना स्ट्रॉन्ग है मंगल, एक तो काल पुरुष में मेष लगन जी, की राशि मंगल की है जी, सूर्य घर में बैठा है जी, तो आपको मतलब कि मंगल कुड हैव टेकन यू इन। आपकी बॉडी कैसी है? यू गॉट अ गुड फिजिक, यू गॉट अ गुड बॉडी, या क्लीन थिन जी, आपका रंग सांवला है, मींस इट इज अ फेयर लुकिंग, सॉरी फेयर रंग है, ऑलमोस्ट फेयर, थोड़ा सा कह सकते हैं हल्का सांवला। आंखें कैसी हैं? यू गॉट गुड आईज, ब्यूटीफुल आईज, गुड आईज, समटाइम्स रेडिश, लिटिल रेडिश। ओके ठीक है, वो ट्रेड्स होते हैं। खैर एनीवे, आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखिएगा और जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेगा आपका आमदनी का दरिया। और अगर इसको प्रोफेशन को चेंज करना हो या इसमें, तो कौन सा बेस्ट रहेगा? देखिए वो तो आपके कर्म स्वामी का देखना पड़ेगा ना, कर्म भाव का स्वामी शनि है, कहाँ बैठा है? शनिवार में, सूर्य बुध शुक्र शनिवार में, बृहस्पति दसवें। आप लोगों की गलतियां बहुत निकालते हैं क्या? यू आर वेरी गुड एट फाइंडिंग फॉल्ट्स। गलती तो नहीं निकालते, कोई भी अगर कोई असाइनमेंट लेके आए या कुछ लेके आए, एडवाइस दे देते हैं उसके रिगार्डिंग। मतलब कि मेरे कहने का ये भाव है कि आप लोगों की ना, यू आर गुड फाइंड फॉल्टर, जो लोगों की गलतियां निकाले। मैं जितना मर्जी अच्छा आज काम करके आऊं, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, सर ये जरा असाइनमेंट देखना या ये मेरा प्रोजेक्ट देखना, आप उसमें तो भी गलती निकाल दोगे। वो है शनिवार,
ठीक है, आप रात में चुस्त हैं, दिन में सुस्त हैं? हाँ जी। अपने बेडरूम में लाइट मत आने देना, सूर्य भी वहां बैठा है। हाँ जी। बेडरूम में लाइट मत आने देना और दिन के टाइम में बेडरूम छोड़ के, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप दिन में भी बेडरूम में ही ज्यादातर गुजारते हैं अपने, क्योंकि सुस्त होता है ना। जी जी जी। वो नहीं करना है, दिन में आपको खुले आकाश में आना है। रात को आप अपना काम करिए, लाइट नहीं आएगी। आपके साउथ ईस्ट सेक्शन में आपके घर के ना लोहे की कोई जाली या ग्रिल लगी होगी, उसको हटा दीजिए। साउथ ईस्ट में विंडो है जी, वो ग्रिल तो है उसपे, वो हटा नहीं सकते। हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, एनीवे उसमें लाइट मत आने दीजिए। अच्छा, मतलब उसको बंद कर दें, लाइट अंदर से ऑन कर लें, बल्ब वगैरह। हाँ, मतलब डोंट लेट द सनराइज कम ना, मंगल और सॉरी सूर्य और शनि का मिलाप कर रहे हो, मंगल बद बन रहा। ठीक है, अवॉइड करना। ठीक है जी, ठीक है जी, ऑल क्वेश्चंस डन हो गए। जो पैसा फंसा हुआ उसके लिए कुछ ऐसी रेमेडी सर, अभी ये करो, कल पैसे की भी बताऊंगा। तो आपको कैश लिक्विडिटी का जितना पढ़ोगे उतना आ जाएगा, मंगल का जवान का उपाय कर लो, आ जाएगा। लाइट बताने देना अपने घर में, बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ओम नमः शिवाय। थैंक यू दीपक जी, आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया, और आप सबने एक नंबर नोट कर लिया, 9623000074। किसी भी तरह की समस्या, इफ एनीवन इज लेफ्ट वी विल टेक इट टुमारो, इफ एनी ऑफ द क्वेश्चंस आर लेफ्ट। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि, ओम नमः शिवाय, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।